नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको तेरे मेरे सपने मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूं आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तेरे मेरे सपने 1996 फिल्म। तेरे मेरे सपने अनुवाद थीम्स ऑफ योर एंड माइंड 1996 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी ABCL द्वारा निर्मित और जॉय ऑगस्टाइन द्वारा निर्देशित है। फिल्म में अरशद बारसी, चंद्रचूड़ सिंह, प्रिया गिल और सिमरन जैसे नए कलाकार थे। निर्देशक जॉय ऑगस्टाइन द्वारा लिखित रंजीत कपूर, संवाद पटकथा की है जॉय ऑगस्टाइन, दिग्वांशु धूलिया कहानी द्वारा भारत रंगाचारी द्वारा निर्मित अमिताभ बच्चन अभिनीत चंद्रचूड़ सिंह, अरशद वारसी, प्रिया गिल, सिमरन वर्णनकर्ता अमिताभ बच्चन, छायांकन तेजा द्वारा संपादित आदेश वर्मा, संगीत दिया है बिजू शाही द्वारा वितरित ABCL कॉरपोरेशन लिमिटेड। रिलीज की तारीख 6 दिसंबर 1996। कार्यकारी समय 146 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। बजट 3 करोड़। बॉक्स ऑफिस अनुमानित 13.17 करोड़। भूखंड। फिल्म का कथानक मोटे तौर पर मार्क ट्वेन के द प्रिंस एंड द पेपर के समान है। एक ही दिन दो लड़कों का जन्म होता है। एक है राहुल मेहता, जिनका जन्म इंग्लैंड के एक धनी परिवार में चांदी का चम्मच लेकर हुआ था। एक और बालू है, जिनका जन्म मुंबई में कहीं एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दोनों तब तक बड़े हो जाते हैं जब तक कि वे अपने 21वें जन्मदिन पर स्थानों का आदान प्रदान नहीं कर लेते। राहुल के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और वह अपने दादा शंभुनाथ मेहता के साथ रहते हैं। वह अपने माता पिता की कब्रों को देखने के लिए भारत आना चाहता है। हालाँकि उसके दादा नहीं चाहते कि वह जाए। उसे डर है कि राहुल प्यार में पड़ जाए और अपने माता पिता की तरह खुद को बर्बाद कर ले। बहुत अनुनय के साथ वह भारत आया है और हवाई अड्डे पर अपने अभिभावकों राम सिंह और जासूस मीर चंदानी से बचने का प्रबंधन करता है और एक टैक्सी पकड़ता है। टैक्सी का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि बालू है, जो राहुल की असली पहचान को नहीं जानता। अमीर आदमी को उसी दिन पैदा होने और अमीर जीवन का आनंद लेने के लिए कोसता रहता है। बाद में राहुल अपनी पहचान बताता है और बालू को शर्म आती है, लेकिन दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। राहुल अपने धन संपन्न दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता, इसीलिए वह बालू से उसकी जगह लेने और उसे बालू की जगह लेने के लिए कहता है, जो राहुल टैक्सी ड्राइवर बन जाता है और राम सिंह को सूचित करता है कि उनके स्थान पर कोई उनके पास आ रहा होगा। बालू होटल पहुंचता है और राम सिंह को एक अमीर आदमी की तरह व्यवहार करने के लिए बालू को तैयार करने में मुश्किल होती है। राहुल बालू के घर जाता है, जहां उसे बालू की बहन पारो मिलती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। बालू बीपी माथुर के एक बैठक में भाग लेने के दौरान, जो भारत में मेहता इंडस्ट्रीज़ के कार्यवाहक हैं, माथुर की बेटी पूजा से मिलते हैं और उसके साथ प्यार में पड़ जाते हैं। भ्रष्ट प्रबंधकों के कारण मेहता उद्योग चरमरा गए हैं। संघ के नेता दत्ताभाऊ बालू राहुल के वेश में जो यह बात समझाते हैं, बालू इसका ख्याल रखता है और मजदूरों के बीच समान लाभ साझा करने की घोषणा करते हुए कंपनी को फिर से खोल देता है। शास्त्री के घर पर पारो के पिता PV शास्त्री को राहुल और पारो के प्रेम संबंध के बारे में पता चलता है और राहुल के ईसाई होने के कारण वह क्रोधित हो जाता है। बालू तस्वीर में आता है और स्थिति को शांत करता है। राहुल ब्राह्मण बनने का फैसला करता है ताकि वह पारो से शादी कर सके।
यूपी में राहुल के दादाजी सीखते हैं कि राहुल के साथ क्या हो रहा है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारत आते हैं। हालांकि चूंकि मेहता इंडस्ट्रीज़ का नियंत्रण माथुर के हाथ से निकल गया है, वे राहुल और शंभुनाथ को मारने का फैसला करते हैं। राहुल और बालू शंभूत को मारने के लिए माथुर द्वारा किराए पर लिए गए गैंगस्टर से बचाने के लिए लड़ते हैं। फिल्म पारो के साथ राहुल की शादी और पूजा के साथ बालू की शादी के साथ समाप्त होती है। फेंकना, बालू शास्त्री के रूप में अरशद वारसी, चंद्रचूर्ण सिंह के रूप में राहुल मेहता, पारो शास्त्री के रूप में प्रिया गिल, पूजा माथुर के रूप में सिमरन, शंभुनाथ मेहता राहुल के दादा के रूप में प्राण, श्रीमती शास्त्री के रूप में सुलभा आर्य, बाल धुरी के रूप में राम सिंह, राहुल के कार्यवाहक सुरेश मल्होत्रा, बीपी माथुर के रूप में नवतेज हुंदल, वरिष्ठ ब्राह्मण पंडित के रूप में पप्पू, पॉलिस्टर के रूप में एस सी माथुर, मनोज पहावा जासूस, मीर चंदानी के रूप में के डी चंद्रन, पी वी शास्त्री के रूप में दत्ता भाऊ के रूप में ए के हंगल, मास्टर फ्रैंक एंथोनी, मुरली के रूप में संगीत, संगीत बिजू शाह द्वारा तैयार किया गया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा दिए गए थे। टी सीरीज द्वारा जारी साउंडट्रैक एल्बम ने भारत में 2.2 मिलियन यूनिट्स की बिक्री की, जिससे यह 1996 का 9वां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया। गाना नंबर 1 मेरा दिल गया, इस गाने के गायकार अलका याग्निक और उदित नारायण हैं। गाना नंबर 2 आँख मारे, इस गाने को कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है, जो ये गाना बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ। गाना नंबर 3 तेरे मेरे सपने, इस गाने को उदित नारायण और विनोद राठौर और हेमा सरदेसाई ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 कुछ मेरे दिल ने कहा, इस गाने के गायकार हरिहरन और साधना सरगम हैं। यह गाना अपने समय में बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ, जो आज भी लोगों के दिलों में बहुत अच्छी पहचान बनाए हुए है। गाना नंबर 5 राम राम, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 मेरे पिया, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको तेरे मेरे सपने मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तेरे मेरे सपने 1996 फिल्म, तेरे मेरे सपने अनुवाद थीम्स ऑफ योर एंड माइंड, 1996 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी ABCL द्वारा निर्मित और जॉय ऑगस्टाइन द्वारा निर्देशित है। फिल्म में अरशद वारसी, चंद्रचूर सिंह, प्रिया गिल और सिमरन जैसे नए कलाकार थे। निर्देशक जॉय ऑगस्टाइन द्वारा लिखित रंजीत कपूर, संवाद पटकथा की है जॉय ऑगस्टाइन, दिग्वांशु धूलिया कहानी द्वारा भारत रंगाचारी द्वारा निर्मित अमिताभ बच्चन अभिनीत, चंद्रचूर सिंह, अरशद वारसी, प्रिया गिल, सिमरन वर्णनकर्ता, अमिताभ बच्चन, छायांकन तेजा द्वारा संपादित आदेश वर्मा, संगीत दिया है बिजू शाही द्वारा वितरित
ABCL कॉरपोरेशन लिमिटेड। रिलीज की तारीख 6 दिसंबर 1996। कार्यकारी समय 146 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। बजट 3 करोड़। बॉक्स ऑफिस अनुमानित 13.17 करोड़। भूखंड। फिल्म का कथानक मोटे तौर पर मार्क ट्वेन के द प्रिंस एंड द पेपर के समान है। एक ही दिन दो लड़कों का जन्म होता है। एक है राहुल मेहता, जिनका जन्म इंग्लैंड के एक धनी परिवार में चांदी का चम्मच लेकर हुआ था। एक और बालू है, जिनका जन्म मुंबई में कहीं एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दोनों तब तक बड़े हो जाते हैं जब तक कि वे अपने 21वें जन्मदिन पर स्थानों का आदान प्रदान नहीं कर लेते। राहुल के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और वह अपने दादा शंभुनाथ मेहता के साथ रहते हैं। वह अपने माता पिता की कब्रों को देखने के लिए भारत आना चाहता है, हालांकि उसके दादा नहीं चाहते कि वह जाए। उसे डर है कि राहुल प्यार में पड़ जाए और अपने माता पिता की तरह खुद को बर्बाद कर ले। बहुत अनुनय के साथ वह भारत आया है और हवाई अड्डे पर अपने अभिभावकों राम सिंह और जासूस मीर चंदानी से बचने का प्रबंधन करता है और एक टैक्सी पकड़ता है। टैक्सी का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि बालू है, जो राहुल की असली पहचान को नहीं जानता। अमीर आदमी को उसी दिन पैदा होने और अमीर जीवन का आनंद लेने के लिए कोसता रहता है। बाद में राहुल अपनी पहचान बताता है और बालू को शर्म आती है, लेकिन दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। राहुल अपने धन संपन्न दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता, इसीलिए वह बालू से उसकी जगह लेने और उसे बालू की जगह लेने के लिए कहता है, जो राहुल टैक्सी ड्राइवर बन जाता है और राम सिंह को सूचित करता है कि उनके स्थान पर कोई उनके पास आ रहा होगा। बालू होटल पहुंचता है और राम सिंह को एक अमीर आदमी की तरह व्यवहार करने के लिए बालू को तैयार करने में मुश्किल होती है। राहुल बालू के घर जाता है, जहां उसे बालू की बहन पारो मिलती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। बालू बीपी माथुर के एक बैठक में भाग लेने के दौरान, जो भारत में मेहता इंडस्ट्रीज़ के कार्यवाहक हैं, माथुर की बेटी पूजा से मिलते हैं और उसके साथ प्यार में पड़ जाते हैं। भ्रष्ट प्रबंधकों के कारण मेहता उद्योग चरमरा गए हैं। संघ के नेता दत्ताभाऊ बालू राहुल के वेश में जो यह बात समझाते हैं, बालू इसका ख्याल रखता है और मजदूरों के बीच समान लाभ साझा करने की घोषणा करते हुए कंपनी को फिर से खोल देता है। शास्त्री के घर पर पारो के पिता पीवी शास्त्री को राहुल और पारो के प्रेम संबंध के बारे में पता चलता है और राहुल के ईसाई होने के कारण वह क्रोधित हो जाता है। बालू तस्वीर में आता है और स्थिति को शांत करता है। राहुल ब्राह्मण बनने का फैसला करता है ताकि वह पारो से शादी कर सके। यूपी में राहुल के दादाजी सीखते हैं कि राहुल के साथ क्या हो रहा है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारत आते हैं। हालांकि चूंकि मेहता इंडस्ट्रीज़ का नियंत्रण माथुर के हाथ से निकल गया है, वे राहुल और शंभुनाथ को मारने का फैसला करते हैं। राहुल और बालू शंभूत को मारने के लिए माथुर द्वारा किराए पर लिए गए गैंगस्टर से बचाने के लिए लड़ते हैं। फिल्म पारो के साथ राहुल की शादी और पूजा के साथ बालू की शादी के साथ समाप्त होती है। फेंकना। बालू शास्त्री के रूप में अरशद वारसी, चंद्रचूर्ण सिंह के रूप में राहुल मेहता, पारो शास्त्री के रूप में प्रिया गिल, पूजा माथुर के रूप में सिमरन, शंभुनाथ मेहता राहुल के दादा के रूप में प्राण, श्रीमती शास्त्री के रूप में सुलभा आर्य, बाल धुरी के रूप में राम सिंह, राहुल के कार्यवाहक सुरेश मल्होत्रा, बीपी माथुर के रूप में नवतेज हुंदल, वरिष्ठ ब्राह्मण पंडित के रूप में पप्पू, पॉलिस्टर के रूप में एस सी माथुर, मनोज पहावा जासूस, मीर चंदानी के रूप में के डी चंद्रन, पी वी शास्त्री के रूप में दत्ताभाऊ के रूप में ए के हंगल, मास्टर फ्रैंक एंथोनी, मुरली के रूप में। संगीत। संगीत बिजू शाह द्वारा तैयार किया गया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा दिए गए थे। टी सीरीज द्वारा जारी साउंडट्रैक एल्बम ने भारत में 2.2 मिलियन यूनिट्स की बिक्री की, जिससे यह 1996 का 9वां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया।
गाना नंबर एक मेरा दिल गया, इस गाने के गायकार अलका याग्निक और उदित नारायण हैं। गाना नंबर दो आँख मारे, इस गाने को कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है, जो ये गाना बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ। गाना नंबर तीन तेरे मेरे सपने, इस गाने को उदित नारायण और विनोद राठौर और हेमा सरदेसाई ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार कुछ मेरे दिल ने कहा, इस गाने के गायकार हरिहरन और साधना सरगम हैं। यह गाना अपने समय में बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ, जो आज भी लोगों के दिलों में बहुत अच्छी पहचान बनाए हुए है। गाना नंबर पाँच राम राम, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः मेरे पिया, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको तेरे मेरे सपने मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तेरे मेरे सपने 1996 फिल्म। तेरे मेरे सपने अनुवाद थीम्स ऑफ योर एंड माइंड 1996 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी ABCL द्वारा निर्मित और जॉय ऑगस्टाइन द्वारा निर्देशित है। फिल्म में अरशद बारसी, चंद्रचूड़ सिंह, प्रिया गिल और सिमरन जैसे नए कलाकार थे। निर्देशक जॉय ऑगस्टाइन द्वारा लिखित रंजीत कपूर, संवाद पटकथा की है जॉय ऑगस्टाइन, दिग्वांशु धूलिया कहानी द्वारा भारत रंगाचारी द्वारा निर्मित अमिताभ बच्चन अभिनीत चंद्रचूड़ सिंह, अरशद वारसी, प्रिया गिल, सिमरन वर्णनकर्ता अमिताभ बच्चन, छायांकन तेजा द्वारा संपादित आदेश वर्मा, संगीत दिया है बिजू शाही द्वारा वितरित ABCL कॉरपोरेशन लिमिटेड। रिलीज की तारीख 6 दिसंबर 1996, कार्यकारी समय 146 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 13.17 करोड़। भूखंड। फिल्म का कथानक मोटे तौर पर मार्क ट्वेन के द प्रिंस एंड द पेपर के समान है। एक ही दिन दो लड़कों का जन्म होता है, एक है राहुल मेहता जिनका जन्म इंग्लैंड के एक धनी परिवार में चांदी का चम्मच लेकर हुआ था, एक और बालू है जिनका जन्म मुंबई में कहीं एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दोनों तब तक बड़े हो जाते हैं जब तक कि वे अपने 21वें जन्मदिन पर स्थानों का आदान प्रदान नहीं कर लेते। राहुल के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और वह अपने दादा शंभुनाथ मेहता के साथ रहते हैं। वह अपने माता पिता की कब्रों को देखने के लिए भारत आना चाहता है, हालाँकि उसके दादा नहीं चाहते कि वह जाए। उसे डर है कि राहुल प्यार में पड़ जाए और अपने माता पिता की तरह खुद को बर्बाद कर ले। बहुत अनुनय के साथ वह भारत आया है और हवाई अड्डे पर अपने अभिभावकों राम सिंह और जासूस मीर चंदानी से बचने का प्रबंधन करता है और एक टैक्सी पकड़ता है। टैक्सी का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि बालू है, जो राहुल की असली पहचान को नहीं जानता। अमीर आदमी को उसी दिन पैदा होने और अमीर जीवन का आनंद लेने के लिए कोसता रहता है। बाद में राहुल अपनी पहचान बताता है और बालू को शर्म आती है, लेकिन दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं।
राहुल अपने धन संपन्न दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता, इसीलिए वह बालू से उसकी जगह लेने और उसे बालू की जगह लेने के लिए कहता है, जो राहुल टैक्सी ड्राइवर बन जाता है और राम सिंह को सूचित करता है कि उनके स्थान पर कोई उनके पास आ रहा होगा। बालू होटल पहुंचता है और राम सिंह को एक अमीर आदमी की तरह व्यवहार करने के लिए बालू को तैयार करने में मुश्किल होती है। राहुल बालू के घर जाता है जहां उसे बालू की बहन पारो मिलती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। बालू बीपी माथुर के एक बैठक में भाग लेने के दौरान, जो भारत में मेहता इंडस्ट्रीज़ के कार्यवाहक हैं, माथुर की बेटी पूजा से मिलते हैं और उसके साथ प्यार में पड़ जाते हैं। भ्रष्ट प्रबंधकों के कारण मेहता उद्योग चरमरा गए हैं। संघ के नेता दत्ताभाऊ बालू राहुल के वेश में जो यह बात समझाते हैं, बालू इसका ख्याल रखता है और मजदूरों के बीच समान लाभ साझा करने की घोषणा करते हुए कंपनी को फिर से खोल देता है। शास्त्री के घर पर पारो के पिता पीवी शास्त्री को राहुल और पारो के प्रेम संबंध के बारे में पता चलता है और राहुल के ईसाई होने के कारण वह क्रोधित हो जाता है। बालू तस्वीर में आता है और स्थिति को शांत करता है। राहुल ब्राह्मण बनने का फैसला करता है ताकि वह पारो से शादी कर सके। यूपी में राहुल के दादाजी सीखते हैं कि राहुल के साथ क्या हो रहा है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारत आते हैं। हालांकि चूंकि मेहता इंडस्ट्रीज़ का नियंत्रण माथुर के हाथ से निकल गया है, वे राहुल और शंभुनाथ को मारने का फैसला करते हैं। राहुल और बालू शंभूत को मारने के लिए माथुर द्वारा किराए पर लिए गए गैंगस्टर से बचाने के लिए लड़ते हैं। फिल्म पारो के साथ राहुल की शादी और पूजा के साथ बालू की शादी के साथ समाप्त होती है। फेंकना बालू शास्त्री के रूप में अरशद वारसी, चंद्रचूर्ण सिंह के रूप में राहुल मेहता, पारो शास्त्री के रूप में प्रिया गिल, पूजा माथुर के रूप में सिमरन, शंभुनाथ मेहता राहुल के दादा के रूप में प्राण, श्रीमती शास्त्री के रूप में सुलभा आर्य, बाल धुरी के रूप में राम सिंह, राहुल के कार्यवाहक सुरेश मल्होत्रा, बीपी माथुर के रूप में नवतेज हुंदल, वरिष्ठ ब्राह्मण पंडित के रूप में पप्पू, पॉलिस्टर के रूप में एस सी माथुर, मनोज पहावा जासूस, मीर चंदानी के रूप में के डी चंद्रन, पी वी शास्त्री के रूप में दत्ताभाऊ के रूप में ए के हंगल, मास्टर फ्रैंक एंथोनी, मुरली के रूप में। संगीत बिजू शाह द्वारा तैयार किया गया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा दिए गए थे। टी सीरीज द्वारा जारी साउंडट्रैक एल्बम ने भारत में 2.2 मिलियन यूनिट्स की बिक्री की, जिससे यह 1996 का 9वां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया। गाना नंबर 1 मेरा दिल गया, इस गाने के गायकार अलका याग्निक और उदित नारायण हैं। गाना नंबर 2 आँख मारे, इस गाने को कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है, जो ये गाना बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ। गाना नंबर 3 तेरे मेरे सपने, इस गाने को उदित नारायण और विनोद राठौर और हेमा सरदेसाई ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 कुछ मेरे दिल ने कहा, इस गाने के गायकार हरिहरन और साधना सरगम हैं। यह गाना अपने समय में बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ, जो आज भी लोगों के दिलों में बहुत अच्छी पहचान बनाए हुए है। गाना नंबर 5 राम राम, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 मेरे पिया, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको तेरे मेरे सपने मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक
आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तेरे मेरे सपने 1996 फिल्म तेरे मेरे सपने अनुवाद थीम्स ऑफ योर एंड माइंड 1996 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी ABCL द्वारा निर्मित और जॉय ऑगस्टाइन द्वारा निर्देशित है। फिल्म में अरशद बारसी, चंद्रचूड़ सिंह, प्रिया गिल और सिमरन जैसे नए कलाकार थे। निर्देशक जॉय ऑगस्टाइन द्वारा लिखित रंजीत कपूर, संवाद पटकथा की है जॉय ऑगस्टाइन, दिग्वांशु धूलिया कहानी द्वारा भारत रंगाचारी द्वारा निर्मित अमिताभ बच्चन अभिनीत चंद्रचूड़ सिंह, अरशद वारसी, प्रिया गिल, सिमरन वर्णनकर्ता अमिताभ बच्चन, छायांकन तेजा द्वारा संपादित आदेश वर्मा, संगीत दिया है बिजू शाही द्वारा वितरित ABCL कॉरपोरेशन लिमिटेड। रिलीज की तारीख 6 दिसंबर 1996, कार्यकारी समय 46 मिनट, देश भारत, भभाषा हिंदी, बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 13.17 करोड़। भूखंड। फिल्म का कथानक मोटे तौर पर मार्क ट्वेन के द प्रिंस एंड द पेपर के समान है। एक ही दिन दो लड़कों का जन्म होता है, एक है राहुल मेहता जिनका जन्म इंग्लैंड के एक धनी परिवार में चांदी का चम्मच लेकर हुआ था, एक और बालू है जिनका जन्म मुंबई में कहीं एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दोनों तब तक बड़े हो जाते हैं जब तक कि वे अपने 21वें जन्मदिन पर स्थानों का आदान प्रदान नहीं कर लेते। राहुल के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और वह अपने दादा शंभुनाथ मेहता के साथ रहते हैं। वह अपने माता पिता की कब्रों को देखने के लिए भारत आना चाहता है, हालांकि उसके दादा नहीं चाहते कि वह जाए। उसे डर है कि राहुल प्यार में पड़ जाए और अपने माता पिता की तरह खुद को बर्बाद कर ले। बहुत अनुनय के साथ वह भारत आया है और हवाई अड्डे पर अपने अभिभावकों राम सिंह और जासूस मीर चंदानी से बचने का प्रबंधन करता है और एक टैक्सी पकड़ता है। टैक्सी का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि बालू है, जो राहुल की असली पहचान को नहीं जानता। अमीर आदमी को उसी दिन पैदा होने और अमीर जीवन का आनंद लेने के लिए कोसता रहता है। बाद में राहुल अपनी पहचान बताता है और बालू को शर्म आती है, लेकिन दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। राहुल अपने धन संपन्न दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता, इसलिए वह बालू से उसकी जगह लेने और उसे बालू की जगह लेने के लिए कहता है, जो राहुल टैक्सी ड्राइवर बन जाता है और राम सिंह को सूचित करता है कि उनके स्थान पर कोई उनके पास आ रहा होगा। बालू होटल पहुंचता है और राम सिंह को एक अमीर आदमी की तरह व्यवहार करने के लिए बालू को तैयार करने में मुश्किल होती है। राहुल बालू के घर जाता है जहां उसे बालू की बहन पारो मिलती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। बालू बीपी माथुर के एक बैठक में भाग लेने के दौरान, जो भारत में मेहता इंडस्ट्रीज़ के कार्यवाहक हैं, माथुर की बेटी पूजा से मिलते हैं और उसके साथ प्यार में पड़ जाते हैं। भ्रष्ट प्रबंधकों के कारण मेहता उद्योग चरमरा गए हैं। संघ के नेता दत्ताभाऊ बालू राहुल के वेश में जो यह बात समझाते हैं, बालू इसका ख्याल रखता है और मजदूरों के बीच समान लाभ साझा करने की घोषणा करते हुए कंपनी को फिर से खोल देता है। शास्त्री के घर पर पारो के पिता पीवी शास्त्री को राहुल और पारो के प्रेम संबंध के बारे में पता चलता है और राहुल के ईसाई होने के कारण वह क्रोधित हो जाता है। बालू तस्वीर में आता है और स्थिति को शांत करता है। राहुल ब्राह्मण बनने का फैसला करता है ताकि वह पारो से शादी कर सके। यूपी में राहुल के दादाजी सीखते हैं कि राहुल के साथ क्या हो रहा है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारत आते हैं। हालांकि चूंकि मेहता इंडस्ट्रीज़ का नियंत्रण माथुर के हाथ से निकल गया है, वे राहुल और शंभुनाथ को मारने का फैसला करते हैं। राहुल और बालू
सम्भूत को मारने के लिए माथुर द्वारा किराए पर लिए गए गैंगस्टर से बचाने के लिए लड़ते हैं। फिल्म पारो के साथ राहुल की शादी और पूजा के साथ बालू की शादी के साथ समाप्त होती है। फेंकना, बालू शास्त्री के रूप में अरशद वारसी, चंद्रचूर्ण सिंह के रूप में राहुल मेहता, पारो शास्त्री के रूप में प्रिया गिल, पूजा माथुर के रूप में सिमरन, शंभुनाथ मेहता राहुल के दादा के रूप में प्राण, श्रीमती शास्त्री के रूप में सुलभा आर्य, बाल धुरी के रूप में राम सिंह, राहुल के कार्यवाहक सुरेश मल्होत्रा, बीपी माथुर के रूप में नवतेज हुंदल, वरिष्ठ ब्राह्मण पंडित के रूप में पप्पू, पॉलिस्टर के रूप में एससी माथुर, मनोज पहावा जासूस, मीर चंदानी के रूप में केडी चंद्रन, पीवी शास्त्री के रूप में दत्ता भाऊ के रूप में एके हंगल, मास्टर फ्रैंक एंथोनी मुरली के रूप में। संगीत, संगीत बिजू शाह द्वारा तैयार किया गया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा दिए गए थे। टी सीरीज द्वारा जारी साउंडट्रैक एल्बम ने भारत में 2.2 मिलियन यूनिट्स की बिक्री की, जिससे यह 1996 का नौवां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया। गाना नंबर एक मेरा दिल गया, इस गाने के गायकार अलका याग्निक और उदित नारायण हैं। गाना नंबर दो आँख मारे, इस गाने को कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है, जो ये गाना बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ। गाना नंबर तीन तेरे मेरे सपने, इस गाने को उदित नारायण और विनोद राठौर और हेमा सरदेसाई ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार कुछ मेरे दिल ने कहा, इस गाने के गायकार हरिहरन और साधना सरगम हैं। यह गाना अपने समय में बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ, जो आज भी लोगों के दिलों में बहुत अच्छी पहचान बनाए हुए है। गाना नंबर पाँच राम राम, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः मेरे पिया, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको तेरे मेरे सपने मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तेरे मेरे सपने 1996 फिल्म, तेरे मेरे सपने अनुवाद थीम्स ऑफ योर एंड माइंड, 1996 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी ABCL द्वारा निर्मित और जॉय ऑगस्टाइन द्वारा निर्देशित है। फिल्म में अरशद वारसी, चंद्रचूर सिंह, प्रिया गिल और सिमरन जैसे नए कलाकार थे। निर्देशक जॉय ऑगस्टाइन द्वारा लिखित रंजीत कपूर, संवाद पटकथा की है जॉय ऑगस्टाइन, दिग्वांशु धूलिया कहानी द्वारा भारत रंगाचारी द्वारा निर्मित अमिताभ बच्चन अभिनीत चंद्रचूर सिंह, अरशद वारसी, प्रिया गिल, सिमरन वर्णनकर्ता अमिताभ बच्चन, छायांकन तेजा द्वारा संपादित आदेश वर्मा, संगीत दिया है बिजू शाही द्वारा वितरित ABCL कॉरपोरेशन लिमिटेड। रिलीज की तारीख 6 दिसंबर 1996, कार्यकारी समय 146 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 13.17 करोड़। भूखंड, फिल्म का कथानक मोटे तौर पर मार्क ट्वेन के
द प्रिंस एंड द पेपर के समान है। एक ही दिन दो लड़कों का जन्म होता है। एक है राहुल मेहता, जिनका जन्म इंग्लैंड के एक धनी परिवार में चांदी का चम्मच लेकर हुआ था। एक और बालू है, जिनका जन्म मुंबई में कहीं एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दोनों तब तक बड़े हो जाते हैं जब तक कि वे अपने 21वें जन्मदिन पर स्थानों का आदान प्रदान नहीं कर लेते। राहुल के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और वह अपने दादा शंभुनाथ मेहता के साथ रहते हैं। वह अपने माता पिता की कब्रों को देखने के लिए भारत आना चाहता है, हालांकि उसके दादा नहीं चाहते कि वह जाए। उसे डर है कि राहुल प्यार में पड़ जाए और अपने माता पिता की तरह खुद को बर्बाद कर ले। बहुत अनुनय के साथ वह भारत आया है और हवाई अड्डे पर अपने अभिभावकों राम सिंह और जासूस मीर चंदानी से बचने का प्रबंधन करता है और एक टैक्सी पकड़ता है। टैक्सी का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि बालू है, जो राहुल की असली पहचान को नहीं जानता। अमीर आदमी को उसी दिन पैदा होने और अमीर जीवन का आनंद लेने के लिए कोसता रहता है। बाद में राहुल अपनी पहचान बताता है और बालू को शर्म आती है, लेकिन दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। राहुल अपने धन संपन्न दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता, इसीलिए वह बालू से उसकी जगह लेने और उसे बालू की जगह लेने के लिए कहता है, जो राहुल टैक्सी ड्राइवर बन जाता है और राम सिंह को सूचित करता है कि उनके स्थान पर कोई उनके पास आ रहा होगा। बालू होटल पहुंचता है और राम सिंह को एक अमीर आदमी की तरह व्यवहार करने के लिए बालू को तैयार करने में मुश्किल होती है। राहुल बालू के घर जाता है, जहां उसे बालू की बहन पारो मिलती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। बालू बीपी माथुर के एक बैठक में भाग लेने के दौरान, जो भारत में मेहता इंडस्ट्रीज़ के कार्यवाहक हैं, माथुर की बेटी पूजा से मिलते हैं और उसके साथ प्यार में पड़ जाते हैं। भ्रष्ट प्रबंधकों के कारण मेहता उद्योग चरमरा गए हैं। संघ के नेता दत्ताभाऊ बालू राहुल के वेश में जो यह बात समझाते हैं, बालू इसका ख्याल रखता है और मजदूरों के बीच समान लाभ साझा करने की घोषणा करते हुए कंपनी को फिर से खोल देता है। शास्त्री के घर पर पारो के पिता पीवी शास्त्री को राहुल और पारो के प्रेम संबंध के बारे में पता चलता है और राहुल के ईसाई होने के कारण वह क्रोधित हो जाता है। बालू तस्वीर में आता है और स्थिति को शांत करता है। राहुल ब्राह्मण बनने का फैसला करता है ताकि वह पारो से शादी कर सके। यूपी में राहुल के दादाजी सीखते हैं कि राहुल के साथ क्या हो रहा है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारत आते हैं। हालांकि चूंकि मेहता इंडस्ट्रीज़ का नियंत्रण माथुर के हाथ से निकल गया है, वे राहुल और शंभुनाथ को मारने का फैसला करते हैं। राहुल और बालू शंभूत को मारने के लिए माथुर द्वारा किराए पर लिए गए गैंगस्टर से बचाने के लिए लड़ते हैं। फिल्म पारो के साथ राहुल की शादी और पूजा के साथ बालू की शादी के साथ समाप्त होती है। फेंकना बालू शास्त्री के रूप में अरशद वारसी, चंद्रचूर्ण सिंह के रूप में राहुल मेहता, पारो शास्त्री के रूप में प्रिया गिल, पूजा माथुर के रूप में सिमरन, शंभुनाथ मेहता राहुल के दादा के रूप में प्राण, श्रीमती शास्त्री के रूप में सुलभा आर्य, बाल धुरी के रूप में राम सिंह, राहुल के कार्यवाहक सुरेश मल्होत्रा, बीपी माथुर के रूप में नवतेज हुंदल, वरिष्ठ ब्राह्मण पंडित के रूप में पप्पू, पॉलिस्टर के रूप में एस सी माथुर, मनोज पहावा जासूस, मीर चंदानी के रूप में के डी चंद्रन, पी वी शास्त्री के रूप में दत्ताभाऊ के रूप में ए के हंगल, मास्टर फ्रैंक एंथोनी, मुरली के रूप में। संगीत बिजू शाह द्वारा तैयार किया गया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा दिए गए थे। टी सीरीज द्वारा जारी साउंडट्रैक एल्बम ने भारत में 2.2 मिलियन यूनिट्स की बिक्री की, जिससे यह 1996 का 9वां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया। गाना नंबर 1 मेरा दिल गया, इस गाने के गायकार अलका याग्निक और उदित नारायण हैं। गाना नंबर 2 आँख मारे, इस गाने को कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है, जो ये गाना बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ। गाना नंबर 3 तेरे मेरे सपने,
इस गाने को उदित नारायण और विनोद राठौर और हेमा सरदेसाई ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 कुछ मेरे दिल ने कहा, इस गाने के गायकार हरिहरन और साधना सरगम हैं। यह गाना अपने समय में बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ, जो आज भी लोगों के दिलों में बहुत अच्छी पहचान बनाए हुए है। गाना नंबर 5 राम राम, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 मेरे पिया, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको तेरे मेरे सपने मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तेरे मेरे सपने 1996 फिल्म। तेरे मेरे सपने अनुवाद थीम्स ऑफ योर एंड माइंड 1996 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी ABCL द्वारा निर्मित और जॉय ऑगस्टाइन द्वारा निर्देशित है। फिल्म में अरशद बारसी, चंद्रचूड़ सिंह, प्रिया गिल और सिमरन जैसे नए कलाकार थे। निर्देशक जॉय ऑगस्टाइन द्वारा लिखित रंजीत कपूर, संवाद पटकथा की है जॉय ऑगस्टाइन, दिग्वांशु धूलिया कहानी द्वारा भारत रंगाचारी द्वारा निर्मित अमिताभ बच्चन अभिनीत चंद्रचूड़ सिंह, अरशद वारसी, प्रिया गिल, सिमरन वर्णनकर्ता अमिताभ बच्चन, छायांकन तेजा द्वारा संपादित आदेश वर्मा, संगीत दिया है बिजू शाही द्वारा वितरित ABCL कॉरपोरेशन लिमिटेड। रिलीज की तारीख 6 दिसंबर 1996, कार्यकारी समय 146 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 13.17 करोड़। भूखंड। फिल्म का कथानक मोटे तौर पर मार्क ट्वेन के द प्रिंस एंड द पेपर के समान है। एक ही दिन दो लड़कों का जन्म होता है, एक है राहुल मेहता जिनका जन्म इंग्लैंड के एक धनी परिवार में चांदी का चम्मच लेकर हुआ था, एक और बालू है जिनका जन्म मुंबई में कहीं एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दोनों तब तक बड़े हो जाते हैं जब तक कि वे अपने 21वें जन्मदिन पर स्थानों का आदान प्रदान नहीं कर लेते। राहुल के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और वह अपने दादा शंभुनाथ मेहता के साथ रहते हैं। वह अपने माता पिता की कब्रों को देखने के लिए भारत आना चाहता है, हालाँकि उसके दादा नहीं चाहते कि वह जाए। उसे डर है कि राहुल प्यार में पड़ जाए और अपने माता पिता की तरह खुद को बर्बाद कर ले। बहुत अनुनय के साथ वह भारत आया है और हवाई अड्डे पर अपने अभिभावकों राम सिंह और जासूस मीर चंदानी से बचने का प्रबंधन करता है और एक टैक्सी पकड़ता है। टैक्सी का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि बालू है, जो राहुल की असली पहचान को नहीं जानता। अमीर आदमी को उसी दिन पैदा होने और अमीर जीवन का आनंद लेने के लिए कोसता रहता है। बाद में राहुल अपनी पहचान बताता है और बालू को शर्म आती है, लेकिन दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। राहुल अपने धन संपन्न दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता, इसलिए वह बालू से उसकी जगह लेने और उसे बालू की जगह लेने के लिए कहता है, जो राहुल टैक्सी ड्राइवर बन जाता है और राम सिंह को सूचित करता है कि उनके स्थान पर कोई उनके पास आ रहा होगा। बालू होटल पहुंचता है और राम सिंह को एक
अमीर आदमी की तरह व्यवहार करने के लिए बालू को तैयार करने में मुश्किल होती है। राहुल बालू के घर जाता है जहाँ उसे बालू की बहन पारो मिलती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। बालू बीपी माथुर के एक बैठक में भाग लेने के दौरान, जो भारत में मेहता इंडस्ट्रीज़ के कार्यवाहक हैं, माथुर की बेटी पूजा से मिलते हैं और उसके साथ प्यार में पड़ जाते हैं। भ्रष्ट प्रबंधकों के कारण मेहता उद्योग चरमरा गए हैं। संघ के नेता दत्ताभाऊ बालू राहुल के वेश में जो यह बात समझाते हैं, बालू इसका ख्याल रखता है और मजदूरों के बीच समान लाभ साझा करने की घोषणा करते हुए कंपनी को फिर से खोल देता है। शास्त्री के घर पर पारो के पिता पीवी शास्त्री को राहुल और पारो के प्रेम संबंध के बारे में पता चलता है और राहुल के ईसाई होने के कारण वह क्रोधित हो जाता है। बालू तस्वीर में आता है और स्थिति को शांत करता है। राहुल ब्राह्मण बनने का फैसला करता है ताकि वह पारो से शादी कर सके। यूपी में राहुल के दादाजी सीखते हैं कि राहुल के साथ क्या हो रहा है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारत आते हैं। हालांकि चूंकि मेहता इंडस्ट्रीज़ का नियंत्रण माथुर के हाथ से निकल गया है, वे राहुल और शंभुनाथ को मारने का फैसला करते हैं। राहुल और बालू शंभूत को मारने के लिए माथुर द्वारा किराए पर लिए गए गैंगस्टर से बचाने के लिए लड़ते हैं। फिल्म पारो के साथ राहुल की शादी और पूजा के साथ बालू की शादी के साथ समाप्त होती है। फेंकना बालू शास्त्री के रूप में अरशद वारसी, चंद्रचूर्ण सिंह के रूप में राहुल मेहता, पारो शास्त्री के रूप में प्रिया गिल, पूजा माथुर के रूप में सिमरन, शंभुनाथ मेहता राहुल के दादा के रूप में प्राण, श्रीमती शास्त्री के रूप में सुलभा आर्य, बाल धुरी के रूप में राम सिंह, राहुल के कार्यवाहक सुरेश मल्होत्रा, बीपी माथुर के रूप में नवतेज हुंदल, वरिष्ठ ब्राह्मण पंडित के रूप में पप्पू, पॉलिस्टर के रूप में एस सी माथुर, मनोज पहावा जासूस, मीर चंदानी के रूप में के डी चंद्रन, पी वी शास्त्री के रूप में दत्ताभाऊ के रूप में ए के हंगल, मास्टर फ्रैंक एंथोनी, मुरली के रूप में। संगीत बिजू शाह द्वारा तैयार किया गया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा दिए गए थे। टी सीरीज द्वारा जारी साउंडट्रैक एल्बम ने भारत में 2.2 मिलियन यूनिट्स की बिक्री की, जिससे यह 1996 का 9वां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया। गाना नंबर 1 मेरा दिल गया, इस गाने के गायकार अलका याग्निक और उदित नारायण हैं। गाना नंबर 2 आंख मारे, इस गाने को कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है, जो ये गाना बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ। गाना नंबर 3 तेरे मेरे सपने, इस गाने को उदित नारायण और विनोद राठौर और हेमा सरदेसाई ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 कुछ मेरे दिल ने कहा, इस गाने के गायकार हरिहरन और साधना सरगम हैं। यह गाना अपने समय में बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ, जो आज भी लोगों के दिलों में बहुत अच्छी पहचान बनाए हुए है। गाना नंबर 5 राम राम, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 मेरे पिया, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको तेरे मेरे सपने मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें।
उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तेरे मेरे सपने 1996 फिल्म, तेरे मेरे सपने अनुवाद थीम्स ऑफ योर एंड माइंड 1996 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी ABCL द्वारा निर्मित और जॉय ऑगस्टाइन द्वारा निर्देशित है। फिल्म में अरशद बारसी, चंद्रचूड़ सिंह, प्रिया गिल और सिमरन जैसे नए कलाकार थे। निर्देशक जॉय ऑगस्टाइन द्वारा लिखित रंजीत कपूर, संवाद पटकथा की है जॉय ऑगस्टाइन, दिग्वांशु धूलिया कहानी द्वारा भारत रंगाचारी द्वारा निर्मित अमिताभ बच्चन अभिनीत चंद्रचूड़ सिंह, अरशद वारसी, प्रिया गिल, सिमरन वर्णनकर्ता अमिताभ बच्चन, छायांकन तेजा द्वारा संपादित आदेश वर्मा, संगीत दिया है बिजू शाही द्वारा वितरित ABCL कॉरपोरेशन लिमिटेड। रिलीज की तारीख 6 दिसंबर 1996, कार्यकारी समय 46 मिनट, देश भारत, भभाषा हिंदी, बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 13.17 करोड़। भूखंड। फिल्म का कथानक मोटे तौर पर मार्क ट्वेन के द प्रिंस एंड द पेपर के समान है। एक ही दिन दो लड़कों का जन्म होता है, एक है राहुल मेहता जिनका जन्म इंग्लैंड के एक धनी परिवार में चांदी का चम्मच लेकर हुआ था, एक और बालू है जिनका जन्म मुंबई में कहीं एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दोनों तब तक बड़े हो जाते हैं जब तक कि वे अपने 21वें जन्मदिन पर स्थानों का आदान प्रदान नहीं कर लेते। राहुल के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और वह अपने दादा शंभुनाथ मेहता के साथ रहते हैं। वह अपने माता पिता की कब्रों को देखने के लिए भारत आना चाहता है, हालांकि उसके दादा नहीं चाहते कि वह जाए। उसे डर है कि राहुल प्यार में पड़ जाए और अपने माता पिता की तरह खुद को बर्बाद कर ले। बहुत अनुनय के साथ वह भारत आया है और हवाई अड्डे पर अपने अभिभावकों राम सिंह और जासूस मीर चंदानी से बचने का प्रबंधन करता है और एक टैक्सी पकड़ता है। टैक्सी का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि बालू है जो राहुल की असली पहचान को नहीं जानता। अमीर आदमी को उसी दिन पैदा होने और अमीर जीवन का आनंद लेने के लिए कोसता रहता है। बाद में राहुल अपनी पहचान बताता है और बालू को शर्म आती है, लेकिन दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। राहुल अपने धन संपन्न दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता, इसलिए वह बालू से उसकी जगह लेने और उसे बालू की जगह लेने के लिए कहता है, जो राहुल टैक्सी ड्राइवर बन जाता है और राम सिंह को सूचित करता है कि उनके स्थान पर कोई उनके पास आ रहा होगा। बालू होटल पहुंचता है और राम सिंह को एक अमीर आदमी की तरह व्यवहार करने के लिए बालू को तैयार करने में मुश्किल होती है। राहुल बालू के घर जाता है जहां उसे बालू की बहन पारो मिलती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। बालू बीपी माथुर के एक बैठक में भाग लेने के दौरान, जो भारत में मेहता इंडस्ट्रीज़ के कार्यवाहक हैं, माथुर की बेटी पूजा से मिलते हैं और उसके साथ प्यार में पड़ जाते हैं। भ्रष्ट प्रबंधकों के कारण मेहता उद्योग चरमरा गए हैं। संघ के नेता दत्ताभाऊ बालू राहुल के वेश में जो यह बात समझाते हैं, बालू इसका ख्याल रखता है और मजदूरों के बीच समान लाभ साझा करने की घोषणा करते हुए कंपनी को फिर से खोल देता है। शास्त्री के घर पर पारो के पिता पीवी शास्त्री को राहुल और पारो के प्रेम संबंध के बारे में पता चलता है और राहुल के ईसाई होने के कारण वह क्रोधित हो जाता है। बालू तस्वीर में आता है और स्थिति को शांत करता है। राहुल ब्राह्मण बनने का फैसला करता है ताकि वह पारो से शादी कर सके। यूपी में राहुल के दादाजी सीखते हैं कि राहुल के साथ क्या हो रहा है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारत आते हैं। हालांकि चूंकि मेहता इंडस्ट्रीज़ का नियंत्रण माथुर के हाथ से निकल गया है, वे राहुल और शंभुनाथ को मारने का फैसला करते हैं। राहुल और बालू शंभुत को मारने के लिए माथुर द्वारा किराए पर लिए गए गैंगस्टर से बचाने के लिए लड़ते हैं। फिल्म पारो के साथ राहुल की शादी और पूजा के साथ बालू की शादी के साथ समाप्त होती है। फेंकना। बालू शास्त्री के रूप में
अरशद वारसी, चंद्रचूर्ण सिंह के रूप में राहुल मेहता, पारो शास्त्री के रूप में प्रिया गिल, पूजा माथुर के रूप में सिमरन, शंभुनाथ मेहता राहुल के दादा के रूप में प्राण, श्रीमती शास्त्री के रूप में सुलभा आर्य, बाल धुरी के रूप में राम सिंह, राहुल के कार्यवाहक सुरेश मल्होत्रा, बीपी माथुर के रूप में नवतेज हुंदल, वरिष्ठ ब्राह्मण पंडित के रूप में पप्पू, पॉलिस्टर के रूप में एससी माथुर, मनोज पहावा जासूस, मीर चंदानी के रूप में केडी चंद्रन, पीवी शास्त्री के रूप में दत्ता भाऊ के रूप में एके हंगल, मास्टर फ्रैंक एंथोनी मुरली के रूप में संगीत, संगीत बिजू शाह द्वारा तैयार किया गया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा दिए गए थे। टी सीरीज द्वारा जारी साउंडट्रैक एल्बम ने भारत में 2.2 मिलियन यूनिट्स की बिक्री की, जिससे यह 1996 का 9वां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया। गाना नंबर 1 मेरा दिल गया, इस गाने के गायकार अलका याग्निक और उदित नारायण हैं। गाना नंबर 2 आंख मारे, इस गाने को कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है, जो ये गाना बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ। गाना नंबर 3 तेरे मेरे सपने, इस गाने को उदित नारायण और विनोद राठौर और हेमा सरदेसाई ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 कुछ मेरे दिल ने कहा, इस गाने के गायकार हरिहरन और साधना सरगम हैं। यह गाना अपने समय में बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ, जो आज भी लोगों के दिलों में बहुत अच्छी पहचान बनाए हुए है। गाना नंबर 5 राम राम, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 मेरे पिया, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको तेरे मेरे सपने मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तेरे मेरे सपने 1996 फिल्म, तेरे मेरे सपने अनुवाद थीम्स ऑफ योर एंड माइंड, 1996 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी ABCL द्वारा निर्मित और जॉय ऑगस्टाइन द्वारा निर्देशित है। फिल्म में अरशद वारसी, चंद्रचूर्ण सिंह, प्रिया गिल और सिमरन जैसे नए कलाकार थे। निर्देशक जॉय ऑगस्टाइन द्वारा लिखित रंजीत कपूर, संवाद पटकथा की है जॉय ऑगस्टाइन, दिग्वांशु धूलिया कहानी द्वारा भारत रंगाचारी द्वारा निर्मित अमिताभ बच्चन अभिनीत चंद्रचूर्ण सिंह, अरशद वारसी, प्रिया गिल, सिमरन वर्णनकर्ता अमिताभ बच्चन, छायांकन तेजा द्वारा संपादित आदेश वर्मा, संगीत दिया है बिजू शाही द्वारा वितरित ABCL कॉरपोरेशन लिमिटेड। रिलीज की तारीख 6 दिसंबर 1996, कार्यकारी समय 146 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 13.17 करोड़। भूखंड, फिल्म का कथानक मोटे तौर पर मार्क ट्वेन के द प्रिंस एंड द पेपर के समान है। एक ही दिन दो लड़कों का जन्म होता है, एक है राहुल मेहता जिनका जन्म इंग्लैंड के एक धनी परिवार में चांदी का चम्मच लेकर हुआ था, एक और बालू है जिनका जन्म मुंबई में कहीं एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था।
दोनों तब तक बड़े हो जाते हैं जब तक कि वे अपने 21वें जन्मदिन पर स्थानों का आदान प्रदान नहीं कर लेते। राहुल के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और वह अपने दादा शंभुनाथ मेहता के साथ रहते हैं। वह अपने माता पिता की कब्रों को देखने के लिए भारत आना चाहता है, हालांकि उसके दादा नहीं चाहते कि वह जाए। उसे डर है कि राहुल प्यार में पड़ जाए और अपने माता पिता की तरह खुद को बर्बाद कर ले। बहुत अनुनय के साथ वह भारत आया है और हवाई अड्डे पर अपने अभिभावकों राम सिंह और जासूस मीर चंदानी से बचने का प्रबंधन करता है और एक टैक्सी पकड़ता है। टैक्सी का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि बालू है, जो राहुल की असली पहचान को नहीं जानता। अमीर आदमी को उसी दिन पैदा होने और अमीर जीवन का आनंद लेने के लिए कोसता रहता है। बाद में राहुल अपनी पहचान बताता है और बालू को शर्म आती है, लेकिन दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। राहुल अपने धन संपन्न दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता, इसीलिए वह बालू से उसकी जगह लेने और उसे बालू की जगह लेने के लिए कहता है, जो राहुल टैक्सी ड्राइवर बन जाता है और राम सिंह को सूचित करता है कि उनके स्थान पर कोई उनके पास आ रहा होगा। बालू होटल पहुंचता है और राम सिंह को एक अमीर आदमी की तरह व्यवहार करने के लिए बालू को तैयार करने में मुश्किल होती है। राहुल बालू के घर जाता है जहां उसे बालू की बहन पारो मिलती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। बालू बीपी माथुर के एक बैठक में भाग लेने के दौरान, जो भारत में मेहता इंडस्ट्रीज़ के कार्यवाहक हैं, माथुर की बेटी पूजा से मिलते हैं और उसके साथ प्यार में पड़ जाते हैं। भ्रष्ट प्रबंधकों के कारण मेहता उद्योग चरमरा गए हैं। संघ के नेता दत्ताभाऊ बालू राहुल के वेश में जो यह बात समझाते हैं, बालू इसका ख्याल रखता है और मजदूरों के बीच समान लाभ साझा करने की घोषणा करते हुए कंपनी को फिर से खोल देता है। शास्त्री के घर पर पारो के पिता पीवी शास्त्री को राहुल और पारो के प्रेम संबंध के बारे में पता चलता है और राहुल के ईसाई होने के कारण वह क्रोधित हो जाता है। बालू तस्वीर में आता है और स्थिति को शांत करता है। राहुल ब्राह्मण बनने का फैसला करता है ताकि वह पारो से शादी कर सके। यूपी में राहुल के दादाजी सीखते हैं कि राहुल के साथ क्या हो रहा है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारत आते हैं। हालांकि चूंकि मेहता इंडस्ट्रीज़ का नियंत्रण माथुर के हाथ से निकल गया है, वे राहुल और शंभुनाथ को मारने का फैसला करते हैं। राहुल और बालू शंभुत को मारने के लिए माथुर द्वारा किराए पर लिए गए गैंगस्टर से बचाने के लिए लड़ते हैं। फिल्म पारो के साथ राहुल की शादी और पूजा के साथ बालू की शादी के साथ समाप्त होती है। फेंकना बालू शास्त्री के रूप में अरशद वारसी, चंद्रचूर्ण सिंह के रूप में राहुल मेहता, पारो शास्त्री के रूप में प्रिया गिल, पूजा माथुर के रूप में सिमरन, शंभुनाथ मेहता राहुल के दादा के रूप में प्राण, श्रीमती शास्त्री के रूप में सुलभा आर्य, बाल धुरी के रूप में राम सिंह, राहुल के कार्यवाहक सुरेश मल्होत्रा, बीपी माथुर के रूप में नवतेज हुंदल, वरिष्ठ ब्राह्मण पंडित के रूप में पप्पू, पॉलिस्टर के रूप में एस सी माथुर, मनोज पहावा जासूस मीर चंदानी के रूप में के डी चंद्रन, पी वी शास्त्री के रूप में दत्ताभाऊ के रूप में ए के हंगल, मास्टर फ्रैंक एंथोनी मुरली के रूप में। संगीत बिजू शाह द्वारा तैयार किया गया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा दिए गए थे। टी सीरीज द्वारा जारी साउंडट्रैक एल्बम ने भारत में 2.2 मिलियन यूनिट्स की बिक्री की, जिससे यह 1996 का 9वां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया। गाना नंबर 1 मेरा दिल गया, इस गाने के गायकार अलका याग्निक और उदित नारायण हैं। गाना नंबर 2 आँख मारे, इस गाने को कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है, जो ये गाना बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ। गाना नंबर 3 तेरे मेरे सपने, इस गाने को उदित नारायण और विनोद राठौर और हेमा सरदेसाई ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 कुछ मेरे दिल ने कहा, इस गाने के गायकार हरिहरन और साधना सरगम हैं। यह गाना अपने समय में बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ, जो आज भी लोगों के दिलों में
बहुत अच्छी पहचान बनाए हुए है। गाना नंबर 5 राम राम, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 मेरे पिया, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको तेरे मेरे सपने मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तेरे मेरे सपने 1996 फिल्म। तेरे मेरे सपने अनुवाद थीम्स ऑफ योर एंड माइंड 1996 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी ABCL द्वारा निर्मित और जॉय ऑगस्टाइन द्वारा निर्देशित है। फिल्म में अरशद बारसी, चंद्रचूड़ सिंह, प्रिया गिल और सिमरन जैसे नए कलाकार थे। निर्देशक जॉय ऑगस्टाइन द्वारा लिखित, रंजीत कपूर संवाद पटकथा की है जॉय ऑगस्टाइन, दिग्वांशु धूलिया कहानी द्वारा भारत रंगाचारी द्वारा निर्मित, अमिताभ बच्चन अभिनीत, चंद्रचूड़ सिंह, अरशद वारसी, प्रिया गिल सिमरन वर्णनकर्ता, अमिताभ बच्चन छायांकन, तेजा द्वारा संपादित, आदेश वर्मा संगीत दिया है, बिजू शाही द्वारा वितरित, ABCL कॉरपोरेशन लिमिटेड। रिलीज की तारीख 6 दिसंबर 1996, कार्यकारी समय 146 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 13.17 करोड़। भूखंड। फिल्म का कथानक मोटे तौर पर मार्क ट्वेन के द प्रिंस एंड द पेपर के समान है। एक ही दिन दो लड़कों का जन्म होता है, एक है राहुल मेहता जिनका जन्म इंग्लैंड के एक धनी परिवार में चांदी का चम्मच लेकर हुआ था, एक और बालू है जिनका जन्म मुंबई में कहीं एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दोनों तब तक बड़े हो जाते हैं जब तक कि वे अपने 21वें जन्मदिन पर स्थानों का आदान प्रदान नहीं कर लेते। राहुल के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और वह अपने दादा शंभुनाथ मेहता के साथ रहते हैं। वह अपने माता पिता की कब्रों को देखने के लिए भारत आना चाहता है, हालांकि उसके दादा नहीं चाहते कि वह जाए। उसे डर है कि राहुल प्यार में पड़ जाए और अपने माता पिता की तरह खुद को बर्बाद कर ले। बहुत अनुनय के साथ वह भारत आया है और हवाई अड्डे पर अपने अभिभावकों राम सिंह और जासूस मीर चंदानी से बचने का प्रबंधन करता है और एक टैक्सी पकड़ता है। टैक्सी का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि बालू है, जो राहुल की असली पहचान को नहीं जानता। अमीर आदमी को उसी दिन पैदा होने और अमीर जीवन का आनंद लेने के लिए कोसता रहता है। बाद में राहुल अपनी पहचान बताता है और बालू को शर्म आती है, लेकिन दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। राहुल अपने धन संपन्न दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता, इसलिए वह बालू से उसकी जगह लेने और उसे बालू की जगह लेने के लिए कहता है, जो राहुल टैक्सी ड्राइवर बन जाता है और राम सिंह को सूचित करता है कि उनके स्थान पर कोई उनके पास आ रहा होगा। बालू होटल पहुंचता है और राम सिंह को एक अमीर आदमी की तरह व्यवहार करने के लिए बालू को तैयार करने में मुश्किल होती है। राहुल बालू के घर जाता है जहां उसे बालू की बहन पारो मिलती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। बालू बीपी माथुर के एक बैठक में भाग लेने के दौरान, जो भारत में मेहता इंडस्ट्रीज़ के कार्यवाहक हैं, माथुर की बेटी पूजा से मिलते हैं
और उसके साथ प्यार में पड़ जाते हैं। भ्रष्ट प्रबंधकों के कारण मेहता उद्योगचर मरा गए हैं। संघ के नेता दत्ताभाऊ बालू राहुल के वेश में जो यह बात समझाते हैं, बालू इसका ख्याल रखता है और मजदूरों के बीच समान लाभ साझा करने की घोषणा करते हुए कंपनी को फिर से खोल देता है। शास्त्री के घर पर पारो के पिता पीवी शास्त्री को राहुल और पारो के प्रेम संबंध के बारे में पता चलता है और राहुल के ईसाई होने के कारण वह क्रोधित हो जाता है। बालू तस्वीर में आता है और स्थिति को शांत करता है। राहुल ब्राह्मण बनने का फैसला करता है ताकि वह पारो से शादी कर सके। यूपी में राहुल के दादाजी सीखते हैं कि राहुल के साथ क्या हो रहा है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारत आते हैं। हालांकि चूंकि मेहता इंडस्ट्रीज़ का नियंत्रण माथुर के हाथ से निकल गया है, वे राहुल और शंभुनाथ को मारने का फैसला करते हैं। राहुल और बालू शंभूत को मारने के लिए माथुर द्वारा किराए पर लिए गए गैंगस्टर से बचाने के लिए लड़ते हैं। फिल्म पारो के साथ राहुल की शादी और पूजा के साथ बालू की शादी के साथ समाप्त होती है। फेंकना बालू शास्त्री के रूप में अरशद वारसी, चंद्रचूर्ण सिंह के रूप में राहुल मेहता, पारो शास्त्री के रूप में प्रिया गिल, पूजा माथुर के रूप में सिमरन, शंभुनाथ मेहता राहुल के दादा के रूप में प्राण, श्रीमती शास्त्री के रूप में सुलभा आर्य, बाल धुरी के रूप में राम सिंह, राहुल के कार्यवाहक सुरेश मल्होत्रा, बीपी माथुर के रूप में नवतेज हुंदल, वरिष्ठ ब्राह्मण पंडित के रूप में पप्पू, पॉलिस्टर के रूप में एस सी माथुर, मनोज पहावा जासूस, मीर चंदानी के रूप में के डी चंद्रन, पी वी शास्त्री के रूप में दत्ताभाऊ के रूप में ए के हंगल, मास्टर फ्रैंक एंथोनी, मुरली के रूप में। संगीत बिजू शाह द्वारा तैयार किया गया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा दिए गए थे। टी सीरीज द्वारा जारी साउंडट्रैक एल्बम ने भारत में 2.2 मिलियन यूनिट्स की बिक्री की, जिससे यह 1996 का 9वां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया। गाना नंबर 1 मेरा दिल गया, इस गाने के गायकार अलका याग्निक और उदित नारायण हैं। गाना नंबर 2 आँख मारे, इस गाने को कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है, जो ये गाना बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ। गाना नंबर 3 तेरे मेरे सपने, इस गाने को उदित नारायण और विनोद राठौर और हेमा सरदेसाई ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 कुछ मेरे दिल ने कहा, इस गाने के गायकार हरिहरन और साधना सरगम हैं। यह गाना अपने समय में बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ, जो आज भी लोगों के दिलों में बहुत अच्छी पहचान बनाए हुए है। गाना नंबर 5 राम राम, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 मेरे पिया, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको तेरे मेरे सपने मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तेरे मेरे सपने 1996 फिल्म। तेरे मेरे सपने अनुवाद थीम्स ऑफ योर एंड माइंड 1996 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी ABCL द्वारा निर्मित
और जॉय ऑगस्टाइन द्वारा निर्देशित है। फिल्में अरशद बारसी, चंद्रचूड़ सिंह, प्रिया गिल और सिमरन जैसे नए कलाकार थे। निर्देशक जॉय ऑगस्टाइन द्वारा लिखित रंजीत कपूर संवाद पटकथा की है जॉय ऑगस्टाइन। दिग्वांशु धूलिया कहानी द्वारा भारत रंगाचारी द्वारा निर्मित अमिताभ बच्चन अभिनीत चंद्रचूड़ सिंह अरशद वारसी प्रिया गिल सिमरन वर्णनकर्ता अमिताभ बच्चन छायांकन तेजा द्वारा संपादित आदेश वर्मा संगीत दिया है बिजू शाही द्वारा वितरित ABCL कॉरपोरेशन लिमिटेड। रिलीज की तारीख 6 दिसंबर 1996 कार्यकारी समय 46 मिनट देश भारत भाषा हिंदी बजट 3 करोड़ बॉक्स ऑफिस अनुमानित 13.17 करोड़। भूखंड फिल्म का कथानक मोटे तौर पर मार्क ट्वेन के द प्रिंस एंड द पेपर के समान है। एक ही दिन दो लड़कों का जन्म होता है। एक है राहुल मेहता जिनका जन्म इंग्लैंड के एक धनी परिवार में चांदी का चम्मच लेकर हुआ था। एक और बालू है जिनका जन्म मुंबई में कहीं एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दोनों तब तक बड़े हो जाते हैं जब तक कि वे अपने 21वें जन्मदिन पर स्थानों का आदान प्रदान नहीं कर लेते। राहुल के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और वह अपने दादा शंभुनाथ मेहता के साथ रहते हैं। वह अपने माता पिता की कब्रों को देखने के लिए भारत आना चाहता है। हालांकि उसके दादा नहीं चाहते कि वह जाए। उसे डर है कि राहुल प्यार में पड़ जाए और अपने माता पिता की तरह खुद को बर्बाद कर ले। बहुत अनुनय के साथ वह भारत आया है और हवाई अड्डे पर अपने अभिभावकों राम सिंह और जासूस मीर चंदानी से बचने का प्रबंधन करता है और एक टैक्सी पकड़ता है। टैक्सी का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि बालू है जो राहुल की असली पहचान को नहीं जानता। अमीर आदमी को उसी दिन पैदा होने और अमीर जीवन का आनंद लेने के लिए कोसता रहता है। बाद में राहुल अपनी पहचान बताता है और बालू को शर्म आती है लेकिन दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। राहुल अपने धन संपन्न दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता इसलिए वह बालू से उसकी जगह लेने और उसे बालू की जगह लेने के लिए कहता है जो राहुल टैक्सी ड्राइवर बन जाता है और राम सिंह को सूचित करता है कि उनके स्थान पर कोई उनके पास आ रहा होगा। बालू होटल पहुंचता है और राम सिंह को एक अमीर आदमी की तरह व्यवहार करने के लिए बालू को तैयार करने में मुश्किल होती है। राहुल बालू के घर जाता है जहां उसे बालू की बहन पारो मिलती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। बालू बीपी माथुर के एक बैठक में भाग लेने के दौरान जो भारत में मेहता इंडस्ट्रीज़ के कार्यवाहक हैं माथुर की बेटी पूजा से मिलते हैं और उसके साथ प्यार में पड़ जाते हैं। भ्रष्ट प्रबंधकों के कारण मेहता उद्योग चरमरा गए हैं। संघ के नेता दत्ताभाऊ बालू राहुल के वेश में जो यह बात समझाते हैं बालू इसका ख्याल रखता है और मजदूरों के बीच समान लाभ साझा करने की घोषणा करते हुए कंपनी को फिर से खोल देता है। शास्त्री के घर पर पारो के पिता पीवी शास्त्री को राहुल और पारो के प्रेम संबंध के बारे में पता चलता है और राहुल के ईसाई होने के कारण वह क्रोधित हो जाता है। बालू तस्वीर में आता है और स्थिति को शांत करता है। राहुल ब्राह्मण बनने का फैसला करता है ताकि वह पारो से शादी कर सके। यूपी में राहुल के दादाजी सीखते हैं कि राहुल के साथ क्या हो रहा है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारत आते हैं। हालांकि चूंकि मेहता इंडस्ट्रीज़ का नियंत्रण माथुर के हाथ से निकल गया है वे राहुल और शंभुनाथ को मारने का फैसला करते हैं। राहुल और बालू शंभुत को मारने के लिए माथुर द्वारा किराए पर लिए गए गैंगस्टर से बचाने के लिए लड़ते हैं। फिल्म पारो के साथ राहुल की शादी और पूजा के साथ बालू की शादी के साथ समाप्त होती है। फेंकना बालू शास्त्री के रूप में अरशद वारसी, चंद्रचूर्ण सिंह के रूप में राहुल मेहता, पारो शास्त्री के रूप में प्रिया गिल, पूजा माथुर के रूप में सिमरन, शंभुनाथ मेहता राहुल के दादा के रूप में प्राण, श्रीमती शास्त्री के रूप में सुलभा आर्य, बाल धुरी के रूप में राम सिंह, राहुल के कार्यवाहक सुरेश मल्होत्रा, बीपी माथुर के रूप में
नवतेज हुंदल वरिष्ठ ब्राह्मण पंडित के रूप में, पप्पू पॉलिस्टर के रूप में, एससी माथुर, मनोज पहावा जासूस, मीर चंदानी के रूप में, केडी चंद्रन, पीवी शास्त्री के रूप में, दत्ता बाहू के रूप में, एके हंगल, मास्टर फ्रैंक एंथोनी मुरली के रूप में। संगीत, संगीत बिजू शाह द्वारा तैयार किया गया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा दिए गए थे। टी सीरीज द्वारा जारी साउंडट्रैक एल्बम ने भारत में 2.2 मिलियन यूनिट्स की बिक्री की, जिससे यह 1996 का 9वां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया। गाना नंबर 1 मेरा दिल गया, इस गाने के गायकार अलका याग्निक और उदित नारायण हैं। गाना नंबर 2 आंख मारे, इस गाने को कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है, जो ये गाना बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ। गाना नंबर 3 तेरे मेरे सपने, इस गाने को उदित नारायण और विनोद राठौर और हेमा सरदेसाई ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 कुछ मेरे दिल ने कहा, इस गाने के गायकार हरिहरन और साधना सरगम हैं। यह गाना अपने समय में बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ, जो आज भी लोगों के दिलों में बहुत अच्छी पहचान बनाए हुए है। गाना नंबर 5 राम राम, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 मेरे पिया, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको तेरे मेरे सपने मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तेरे मेरे सपने 1996 फिल्म। तेरे मेरे सपने अनुवाद थीम्स ऑफ योर एंड माइंड 1996 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी ABCL द्वारा निर्मित और जॉय ऑगस्टाइन द्वारा निर्देशित है। फिल्म में अरशद बारसी, चंद्रचूड़ सिंह, प्रिया गिल और सिमरन जैसे नए कलाकार थे। निर्देशक जॉय ऑगस्टाइन द्वारा लिखित रंजीत कपूर, संवाद पटकथा की है जॉय ऑगस्टाइन, दिग्वांशु धूलिया कहानी द्वारा भारत रंगाचारी द्वारा निर्मित अमिताभ बच्चन अभिनीत चंद्रचूड़ सिंह, अरशद वारसी, प्रिया गिल, सिमरन वर्णनकर्ता अमिताभ बच्चन, छायांकन तेजा द्वारा संपादित आदेश वर्मा, संगीत दिया है बिजू शाही द्वारा वितरित ABCL कॉरपोरेशन लिमिटेड। रिलीज की तारीख 6 दिसंबर 1996, कार्यकारी समय 146 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 13.17 करोड़। भूखंड, फिल्म का कथानक मोटे तौर पर मार्क ट्वेन के द प्रिंस एंड द पेपर के समान है। एक ही दिन दो लड़कों का जन्म होता है, एक है राहुल मेहता जिनका जन्म इंग्लैंड के एक धनी परिवार में चांदी का चम्मच लेकर हुआ था, एक और बालू है जिनका जन्म मुंबई में कहीं एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दोनों तब तक बड़े हो जाते हैं जब तक कि वे अपने 21वें जन्मदिन पर स्थानों का आदान प्रदान नहीं कर लेते। राहुल के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और वह अपने दादा शंभुनाथ मेहता के साथ रहते हैं। वह अपने माता पिता की कब्रों को देखने के लिए भारत आना चाहता है, हालांकि उसके दादा नहीं चाहते कि वह जाए।
उसे डर है कि राहुल प्यार में पड़ जाए और अपने माता पिता की तरह खुद को बर्बाद कर ले। बहुत अनुनय के साथ वह भारत आया है और हवाई अड्डे पर अपने अभिभावकों राम सिंह और जासूस मीर चंदानी से बचने का प्रबंधन करता है और एक टैक्सी पकड़ता है। टैक्सी का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि बालू है, जो राहुल की असली पहचान को नहीं जानता। अमीर आदमी को उसी दिन पैदा होने और अमीर जीवन का आनंद लेने के लिए कोसता रहता है। बाद में राहुल अपनी पहचान बताता है और बालू को शर्म आती है, लेकिन दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। राहुल अपने धन संपन्न दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता, इसीलिए वह बालू से उसकी जगह लेने और उसे बालू की जगह लेने के लिए कहता है, जो राहुल टैक्सी ड्राइवर बन जाता है और राम सिंह को सूचित करता है कि उनके स्थान पर कोई उनके पास आ रहा होगा। बालू होटल पहुंचता है और राम सिंह को एक अमीर आदमी की तरह व्यवहार करने के लिए बालू को तैयार करने में मुश्किल होती है। राहुल बालू के घर जाता है, जहां उसे बालू की बहन पारो मिलती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। बालू बीपी माथुर के एक बैठक में भाग लेने के दौरान, जो भारत में मेहता इंडस्ट्रीज़ के कार्यवाहक हैं, माथुर की बेटी पूजा से मिलते हैं और उसके साथ प्यार में पड़ जाते हैं। भ्रष्ट प्रबंधकों के कारण मेहता उद्योग चरमरा गए हैं। संघ के नेता दत्ताभाऊ बालू राहुल के वेश में जो यह बात समझाते हैं, बालू इसका ख्याल रखता है और मजदूरों के बीच समान लाभ साझा करने की घोषणा करते हुए कंपनी को फिर से खोल देता है। शास्त्री के घर पर पारो के पिता पीवी शास्त्री को राहुल और पारो के प्रेम संबंध के बारे में पता चलता है और राहुल के ईसाई होने के कारण वह क्रोधित हो जाता है। बालू तस्वीर में आता है और स्थिति को शांत करता है। राहुल ब्राह्मण बनने का फैसला करता है ताकि वह पारो से शादी कर सके। यूपी में राहुल के दादाजी सीखते हैं कि राहुल के साथ क्या हो रहा है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारत आते हैं। हालांकि चूंकि मेहता इंडस्ट्रीज़ का नियंत्रण माथुर के हाथ से निकल गया है, वे राहुल और शंभुनाथ को मारने का फैसला करते हैं। राहुल और बालू शंभूत को मारने के लिए माथुर द्वारा किराए पर लिए गए गैंगस्टर से बचाने के लिए लड़ते हैं। फिल्म पारो के साथ राहुल की शादी और पूजा के साथ बालू की शादी के साथ समाप्त होती है। फेंकना बालू शास्त्री के रूप में अरशद वारसी, चंद्रचूर्ण सिंह के रूप में राहुल मेहता, पारो शास्त्री के रूप में प्रिया गिल, पूजा माथुर के रूप में सिमरन, शंभुनाथ मेहता राहुल के दादा के रूप में प्राण, श्रीमती शास्त्री के रूप में सुलभा आर्य, बाल धुरी के रूप में राम सिंह, राहुल के कार्यवाहक सुरेश मल्होत्रा, बीपी माथुर के रूप में नवतेज हुंदल, वरिष्ठ ब्राह्मण पंडित के रूप में पप्पू, पॉलिस्टर के रूप में एस सी माथुर, मनोज पहावा जासूस, मीर चंदानी के रूप में के डी चंद्रन, पी वी शास्त्री के रूप में दत्ताभाऊ के रूप में ए के हंगल, मास्टर फ्रैंक एंथोनी, मुरली के रूप में। संगीत बिजू शाह द्वारा तैयार किया गया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा दिए गए थे। टी सीरीज द्वारा जारी साउंडट्रैक एल्बम ने भारत में 2.2 मिलियन यूनिट्स की बिक्री की, जिससे यह 1996 का नौवां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया। गाना नंबर एक मेरा दिल गया, इस गाने के गायकार अलका याग्निक और उदित नारायण हैं। गाना नंबर दो आँख मारे, इस गाने को कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है, जो ये गाना बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ। गाना नंबर तीन तेरे मेरे सपने, इस गाने को उदित नारायण और विनोद राठौर और हेमा सरदेसाई ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार कुछ मेरे दिल ने कहा, इस गाने के गायकार हरिहरन और साधना सरगम हैं। यह गाना अपने समय में बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ, जो आज भी लोगों के दिलों में बहुत अच्छी पहचान बनाए हुए है। गाना नंबर पाँच राम राम, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः मेरे पिया, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको तेरे मेरे सपने मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तेरे मेरे सपने 1996 फिल्म। तेरे मेरे सपने अनुवाद थीम्स ऑफ योर एंड माइंड 1996 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी ABCL द्वारा निर्मित और जॉय ऑगस्टाइन द्वारा निर्देशित है। फिल्म में अरशद बारसी, चंद्रचूड़ सिंह, प्रिया गिल और सिमरन जैसे नए कलाकार थे। निर्देशक जॉय ऑगस्टाइन द्वारा लिखित रंजीत कपूर, संवाद पटकथा की है जॉय ऑगस्टाइन, दिग्वांशु धूलिया कहानी द्वारा भारत रंगाचारी द्वारा निर्मित अमिताभ बच्चन अभिनीत चंद्रचूड़ सिंह, अरशद वारसी, प्रिया गिल, सिमरन वर्णनकर्ता अमिताभ बच्चन, छायांकन तेजा द्वारा संपादित आदेश वर्मा, संगीत दिया है बिजू शाही द्वारा वितरित ABCL कॉरपोरेशन लिमिटेड। रिलीज की तारीख 6 दिसंबर 1996, कार्यकारी समय 46 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 13.17 करोड़। भूखंड। फिल्म का कथानक मोटे तौर पर मार्क ट्वेन के द प्रिंस एंड द पेपर के समान है। एक ही दिन दो लड़कों का जन्म होता है। एक है राहुल मेहता, जिनका जन्म इंग्लैंड के एक धनी परिवार में चांदी का चम्मच लेकर हुआ था। एक और बालू है, जिनका जन्म मुंबई में कहीं एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दोनों तब तक बड़े हो जाते हैं जब तक कि वे अपने 21वें जन्मदिन पर स्थानों का आदान प्रदान नहीं कर लेते। राहुल के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और वह अपने दादा शंभुनाथ मेहता के साथ रहते हैं। वह अपने माता पिता की कब्रों को देखने के लिए भारत आना चाहता है, हालांकि उसके दादा नहीं चाहते कि वह जाए। उसे डर है कि राहुल प्यार में पड़ जाए और अपने माता पिता की तरह खुद को बर्बाद कर ले। बहुत अनुनय के साथ वह भारत आया है और हवाई अड्डे पर अपने अभिभावकों राम सिंह और जासूस मीर चंदानी से बचने का प्रबंधन करता है और एक टैक्सी पकड़ता है। टैक्सी का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि बालू है, जो राहुल की असली पहचान को नहीं जानता। अमीर आदमी को उसी दिन पैदा होने और अमीर जीवन का आनंद लेने के लिए कोसता रहता है। बाद में राहुल अपनी पहचान बताता है और बालू को शर्म आती है, लेकिन दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। राहुल अपने धन संपन्न दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता, इसीलिए वह बालू से उसकी जगह लेने और उसे बालू की जगह लेने के लिए कहता है, जो राहुल टैक्सी ड्राइवर बन जाता है और राम सिंह को सूचित करता है कि उनके स्थान पर कोई उनके पास आ रहा होगा। बालू होटल पहुंचता है और राम सिंह को एक अमीर आदमी की तरह व्यवहार करने के लिए बालू को तैयार करने में मुश्किल होती है। राहुल बालू के घर जाता है, जहां उसे बालू की बहन पारो मिलती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। बालू बीपी माथुर के एक बैठक में भाग लेने के दौरान, जो भारत में मेहता इंडस्ट्रीज़ के कार्यवाहक हैं, माथुर की बेटी पूजा से मिलते हैं और उसके साथ प्यार में पड़ जाते हैं। भ्रष्ट प्रबंधकों के कारण मेहता उद्योग चरमरा गए हैं। संघ के नेता दत्ताभाऊ बालू राहुल के वेश में जो यह बात समझाते हैं, बालू इसका ख्याल रखता है और मजदूरों के बीच समान लाभ साझा करने की घोषणा करते हुए कंपनी को फिर से खोल देता है। शास्त्री के घर पर पारो के पिता पीवी शास्त्री को राहुल और पारो के प्रेम संबंध के बारे में पता चलता है और राहुल के ईसाई होने के कारण वह क्रोधित हो जाता है। बालू तस्वीर में आता है और स्थिति को शांत करता है। राहुल ब्राह्मण बनने का फैसला करता है ताकि वह पारो से शादी कर सके।
यूपी में राहुल के दादाजी सीखते हैं कि राहुल के साथ क्या हो रहा है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारत आते हैं। हालांकि चूंकि मेहता इंडस्ट्रीज़ का नियंत्रण माथुर के हाथ से निकल गया है, वे राहुल और शंभुनाथ को मारने का फैसला करते हैं। राहुल और बालू शंभूत को मारने के लिए माथुर द्वारा किराए पर लिए गए गैंगस्टर से बचाने के लिए लड़ते हैं। फिल्म पारो के साथ राहुल की शादी और पूजा के साथ बालू की शादी के साथ समाप्त होती है। फेंकना, बालू शास्त्री के रूप में अरशद वारसी, चंद्रचूर्ण सिंह के रूप में राहुल मेहता, पारो शास्त्री के रूप में प्रिया गिल, पूजा माथुर के रूप में सिमरन, शंभुनाथ मेहता राहुल के दादा के रूप में प्राण, श्रीमती शास्त्री के रूप में सुलभा आर्य, बाल धुरी के रूप में राम सिंह, राहुल के कार्यवाहक सुरेश मल्होत्रा, बीपी माथुर के रूप में नवतेज हुंदल, वरिष्ठ ब्राह्मण पंडित के रूप में पप्पू, पॉलिस्टर के रूप में एस सी माथुर, मनोज पहावा जासूस, मीर चंदानी के रूप में के डी चंद्रन, पी वी शास्त्री के रूप में दत्ता भाऊ के रूप में ए के हंगल, मास्टर फ्रैंक एंथोनी, मुरली के रूप में संगीत, संगीत बिजू शाह द्वारा तैयार किया गया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा दिए गए थे। टी सीरीज द्वारा जारी साउंडट्रैक एल्बम ने भारत में 2.2 मिलियन यूनिट्स की बिक्री की, जिससे यह 1996 का नौवां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया। गाना नंबर एक मेरा दिल गया, इस गाने के गायकार अलका याग्निक और उदित नारायण हैं। गाना नंबर दो आँख मारे, इस गाने को कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है, जो ये गाना बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ। गाना नंबर तीन तेरे मेरे सपने, इस गाने को उदित नारायण और विनोद राठौर और हेमा सरदेसाई ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार कुछ मेरे दिल ने कहा, इस गाने के गायकार हरिहरन और साधना सरगम हैं। यह गाना अपने समय में बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ, जो आज भी लोगों के दिलों में बहुत अच्छी पहचान बनाए हुए है। गाना नंबर पाँच राम राम, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः मेरे पिया, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको तेरे मेरे सपने मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तेरे मेरे सपने 1996 फिल्म। तेरे मेरे सपने अनुवाद थीम्स ऑफ योर एंड माइंड 1996 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी ABCL द्वारा निर्मित और जॉय ऑगस्टाइन द्वारा निर्देशित है। फिल्म में अरशद वारसी, चंद्रचूर सिंह, प्रिया गिल और सिमरन जैसे नए कलाकार थे। निर्देशक जॉय ऑगस्टाइन द्वारा लिखित रंजीत कपूर, संवाद पटकथा की है जॉय ऑगस्टाइन, दिग्वांशु धूलिया कहानी द्वारा भारत रंगाचारी द्वारा निर्मित अमिताभ बच्चन अभिनीत चंद्रचूर सिंह, अरशद वारसी, प्रिया गिल, सिमरन वर्णनकर्ता अमिताभ बच्चन, छायांकन तेजा द्वारा संपादित आदेश वर्मा, संगीत दिया है बिजू शाही द्वारा वितरित
ABCL कॉरपोरेशन लिमिटेड, रिलीज की तारीख 6 दिसंबर 1996, कार्यकारी समय 146 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 13.17 करोड़, भूखंड फिल्म का कथानक मोटे तौर पर मार्क ट्वेन के द प्रिंस एंड द पेपर के समान है। एक ही दिन दो लड़कों का जन्म होता है, एक है राहुल मेहता जिनका जन्म इंग्लैंड के एक धनी परिवार में चांदी का चम्मच लेकर हुआ था, एक और बालू है जिनका जन्म मुंबई में कहीं एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दोनों तब तक बड़े हो जाते हैं जब तक कि वे अपने 21वें जन्मदिन पर स्थानों का आदान प्रदान नहीं कर लेते। राहुल के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और वह अपने दादा शंभुनाथ मेहता के साथ रहते हैं। वह अपने माता पिता की कब्रों को देखने के लिए भारत आना चाहता है, हालांकि उसके दादा नहीं चाहते कि वह जाए। उसे डर है कि राहुल प्यार में पड़ जाए और अपने माता पिता की तरह खुद को बर्बाद कर ले। बहुत अनुनय के साथ वह भारत आया है और हवाई अड्डे पर अपने अभिभावकों राम सिंह और जासूस मीर चंदानी से बचने का प्रबंधन करता है और एक टैक्सी पकड़ता है। टैक्सी का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि बालू है जो राहुल की असली पहचान को नहीं जानता। अमीर आदमी को उसी दिन पैदा होने और अमीर जीवन का आनंद लेने के लिए कोसता रहता है। बाद में राहुल अपनी पहचान बताता है और बालू को शर्म आती है, लेकिन दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। राहुल अपने धन संपन्न दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता, इसलिए वह बालू से उसकी जगह लेने और उसे बालू की जगह लेने के लिए कहता है, जो राहुल टैक्सी ड्राइवर बन जाता है और राम सिंह को सूचित करता है कि उनके स्थान पर कोई उनके पास आ रहा होगा। बालू होटल पहुंचता है और राम सिंह को एक अमीर आदमी की तरह व्यवहार करने के लिए बालू को तैयार करने में मुश्किल होती है। राहुल बालू के घर जाता है जहां उसे बालू की बहन पारो मिलती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। बालू बीपी माथुर के एक बैठक में भाग लेने के दौरान, जो भारत में मेहता इंडस्ट्रीज़ के कार्यवाहक हैं, माथुर की बेटी पूजा से मिलते हैं और उसके साथ प्यार में पड़ जाते हैं। भ्रष्ट प्रबंधकों के कारण मेहता उद्योग चरमरा गए हैं। संघ के नेता दत्ताभाऊ बालू राहुल के वेश में जो यह बात समझाते हैं, बालू इसका ख्याल रखता है और मजदूरों के बीच समान लाभ साझा करने की घोषणा करते हुए कंपनी को फिर से खोल देता है। शास्त्री के घर पर पारो के पिता पीवी शास्त्री को राहुल और पारो के प्रेम संबंध के बारे में पता चलता है और राहुल के ईसाई होने के कारण वह क्रोधित हो जाता है। बालू तस्वीर में आता है और स्थिति को शांत करता है। राहुल ब्राह्मण बनने का फैसला करता है ताकि वह पारो से शादी कर सके। यूपी में राहुल के दादाजी सीखते हैं कि राहुल के साथ क्या हो रहा है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारत आते हैं। हालांकि चूंकि मेहता इंडस्ट्रीज़ का नियंत्रण माथुर के हाथ से निकल गया है, वे राहुल और शंभुनाथ को मारने का फैसला करते हैं। राहुल और बालू शंभुनाथ को मारने के लिए माथुर द्वारा किराए पर लिए गए गैंगस्टर से बचाने के लिए लड़ते हैं। फिल्म पारो के साथ राहुल की शादी और पूजा के साथ बालू की शादी के साथ समाप्त होती है। फेंकना बालू शास्त्री के रूप में अरशद वारसी, चंद्रचूर्ण सिंह के रूप में राहुल मेहता, पारो शास्त्री के रूप में प्रिया गिल, पूजा माथुर के रूप में सिमरन, शंभुनाथ मेहता राहुल के दादा के रूप में प्राण, श्रीमती शास्त्री के रूप में सुलभा आर्य, बाल धुरी के रूप में राम सिंह, राहुल के कार्यवाहक सुरेश मल्होत्रा, बीपी माथुर के रूप में नवतेज हुंदल, वरिष्ठ ब्राह्मण पंडित के रूप में पप्पू, पॉलिस्टर के रूप में एससी माथुर, मनोज पहावा जासूस, मीर चंदानी के रूप में केडी चंद्रन, पीवी शास्त्री के रूप में दत्ताभाऊ के रूप में एके हंगल, मास्टर फ्रैंक एंथोनी, मुरली के रूप में। संगीत बिजू शाह द्वारा तैयार किया गया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा दिए गए थे। टी सीरीज द्वारा जारी साउंडट्रैक एल्बम ने भारत में 2.2 मिलियन यूनिट्स की बिक्री की, जिससे यह 1996 का 9वां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया।
गाना नंबर एक मेरा दिल गया, इस गाने के गायकार अलका याग्निक और उदित नारायण हैं। गाना नंबर दो आँख मारे, इस गाने को कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है, जो ये गाना बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ। गाना नंबर तीन तेरे मेरे सपने, इस गाने को उदित नारायण और विनोद राठौर और हेमा सरदेसाई ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार कुछ मेरे दिल ने कहा, इस गाने के गायकार हरिहरन और साधना सरगम हैं। यह गाना अपने समय में बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ, जो आज भी लोगों के दिलों में बहुत अच्छी पहचान बनाए हुए है। गाना नंबर पाँच राम राम, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः मेरे पिया, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको तेरे मेरे सपने मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तेरे मेरे सपने 1996 फिल्म। तेरे मेरे सपने अनुवाद थीम्स ऑफ योर एंड माइन 1996 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी ABCL द्वारा निर्मित और जॉय ऑगस्टाइन द्वारा निर्देशित है। फिल्म में अरशद बारसी, चंद्रचूड़ सिंह, प्रिया गिल और सिमरन जैसे नए कलाकार थे। निर्देशक जॉय ऑगस्टाइन द्वारा लिखित रंजीत कपूर, संवाद पटकथा की है जॉय ऑगस्टाइन, दिग्वांशु धूलिया कहानी द्वारा भारत रंगाचारी द्वारा निर्मित अमिताभ बच्चन अभिनीत चंद्रचूड़ सिंह, अरशद वारसी, प्रिया गिल, सिमरन वर्णनकर्ता अमिताभ बच्चन, छायांकन तेजा द्वारा संपादित आदेश वर्मा, संगीत दिया है बिजू शाही द्वारा वितरित ABCL कॉरपोरेशन लिमिटेड। रिलीज की तारीख 6 दिसंबर 1996, कार्यकारी समय 146 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 13.17 करोड़। भूखंड, फिल्म का कथानक मोटे तौर पर मार्क ट्वेन के द प्रिंस एंड द पेपर के समान है। एक ही दिन दो लड़कों का जन्म होता है, एक है राहुल मेहता जिनका जन्म इंग्लैंड के एक धनी परिवार में चांदी का चम्मच लेकर हुआ था, एक और बालू है जिनका जन्म मुंबई में कहीं एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दोनों तब तक बड़े हो जाते हैं जब तक कि वे अपने 21वें जन्मदिन पर स्थानों का आदान प्रदान नहीं कर लेते। राहुल के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और वह अपने दादा शंभुनाथ मेहता के साथ रहते हैं। वह अपने माता पिता की कब्रों को देखने के लिए भारत आना चाहता है, हालांकि उसके दादा नहीं चाहते कि वह जाए। उसे डर है कि राहुल प्यार में पड़ जाए और अपने माता पिता की तरह खुद को बर्बाद कर ले। बहुत अनुनय के साथ वह भारत आया है और हवाई अड्डे पर अपने अभिभावकों राम सिंह और जासूस मीर चंदानी से बचने का प्रबंधन करता है और एक टैक्सी पकड़ता है। टैक्सी का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि बालू है, जो राहुल की असली पहचान को नहीं जानता। अमीर आदमी को उसी दिन पैदा होने और अमीर जीवन का आनंद लेने के लिए कोसता रहता है। बाद में राहुल अपनी पहचान बताता है और बालू को शर्म आती है, लेकिन दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं।
राहुल अपने धन संपन्न दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता, इसीलिए वह बालू से उसकी जगह लेने और उसे बालू की जगह लेने के लिए कहता है। जो राहुल टैक्सी ड्राइवर बन जाता है और राम सिंह को सूचित करता है कि उनके स्थान पर कोई उनके पास आ रहा होगा। बालू होटल पहुंचता है और राम सिंह को एक अमीर आदमी की तरह व्यवहार करने के लिए बालू को तैयार करने में मुश्किल होती है। राहुल बालू के घर जाता है जहां उसे बालू की बहन पारो मिलती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। बालू बीपी माथुर के एक बैठक में भाग लेने के दौरान, जो भारत में मेहता इंडस्ट्रीज़ के कार्यवाहक हैं, माथुर की बेटी पूजा से मिलते हैं और उसके साथ प्यार में पड़ जाते हैं। भ्रष्ट प्रबंधकों के कारण मेहता उद्योग चरमरा गए हैं। संघ के नेता दत्ताभाऊ बालू राहुल के वेश में जो यह बात समझाते हैं, बालू इसका ख्याल रखता है और मजदूरों के बीच समान लाभ साझा करने की घोषणा करते हुए कंपनी को फिर से खोल देता है। शास्त्री के घर पर पारो के पिता पीवी शास्त्री को राहुल और पारो के प्रेम संबंध के बारे में पता चलता है और राहुल के ईसाई होने के कारण वह क्रोधित हो जाता है। बालू तस्वीर में आता है और स्थिति को शांत करता है। राहुल ब्राह्मण बनने का फैसला करता है ताकि वह पारो से शादी कर सके। यूपी में राहुल के दादाजी सीखते हैं कि राहुल के साथ क्या हो रहा है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारत आते हैं। हालांकि चूंकि मेहता इंडस्ट्रीज़ का नियंत्रण माथुर के हाथ से निकल गया है, वे राहुल और शंभुनाथ को मारने का फैसला करते हैं। राहुल और बालू शंभूत को मारने के लिए माथुर द्वारा किराए पर लिए गए गैंगस्टर से बचाने के लिए लड़ते हैं। फिल्म पारो के साथ राहुल की शादी और पूजा के साथ बालू की शादी के साथ समाप्त होती है। फेंकना बालू शास्त्री के रूप में अरशद वारसी, चंद्रचूर्ण सिंह के रूप में राहुल मेहता, पारो शास्त्री के रूप में प्रिया गिल, पूजा माथुर के रूप में सिमरन, शंभुनाथ मेहता राहुल के दादा के रूप में प्राण, श्रीमती शास्त्री के रूप में सुलभा आर्य, बाल धुरी के रूप में राम सिंह, राहुल के कार्यवाहक सुरेश मल्होत्रा, बीपी माथुर के रूप में नवतेज हुंदल, वरिष्ठ ब्राह्मण पंडित के रूप में पप्पू, पॉलिस्टर के रूप में एस सी माथुर, मनोज पहावा जासूस, मीर चंदानी के रूप में के डी चंद्रन, पी वी शास्त्री के रूप में दत्ताभाऊ के रूप में ए के हंगल, मास्टर फ्रैंक एंथोनी, मुरली के रूप में। संगीत बिजू शाह द्वारा तैयार किया गया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा दिए गए थे। टी सीरीज द्वारा जारी साउंडट्रैक एल्बम ने भारत में 2.2 मिलियन यूनिट्स की बिक्री की, जिससे यह 1996 का नौवां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया। गाना नंबर एक मेरा दिल गया, इस गाने के गायकार अलका याग्निक और उदित नारायण हैं। गाना नंबर दो आँख मारे, इस गाने को कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है, जो ये गाना बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ। गाना नंबर तीन तेरे मेरे सपने, इस गाने को उदित नारायण और विनोद राठौर और हेमा सरदेसाई ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार कुछ मेरे दिल ने कहा, इस गाने के गायकार हरिहरन और साधना सरगम हैं। यह गाना अपने समय में बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ, जो आज भी लोगों के दिलों में बहुत अच्छी पहचान बनाए हुए है। गाना नंबर पाँच राम राम, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः मेरे पिया, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको तेरे मेरे सपने मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे।
तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तेरे मेरे सपने 1996 फिल्म तेरे मेरे सपने अनुवाद थीम्स ऑफ योर एंड माइंड 1996 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी ABCL द्वारा निर्मित और जॉय ऑगस्टाइन द्वारा निर्देशित है। फिल्म में अरशद बारसी, चंद्रचूड़ सिंह, प्रिया गिल और सिमरन जैसे नए कलाकार थे। निर्देशक जॉय ऑगस्टाइन द्वारा लिखित रंजीत कपूर, संवाद पटकथा की है जॉय ऑगस्टाइन, दिग्वांशु धूलिया कहानी द्वारा भारत रंगाचारी द्वारा निर्मित अमिताभ बच्चन अभिनीत चंद्रचूड़ सिंह, अरशद वारसी, प्रिया गिल, सिमरन वर्णनकर्ता अमिताभ बच्चन, छायांकन तेजा द्वारा संपादित आदेश वर्मा, संगीत दिया है बिजू शाही द्वारा वितरित ABCL कॉरपोरेशन लिमिटेड। रिलीज की तारीख 6 दिसंबर 1996, कार्यकारी समय 46 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 13.17 करोड़। भूखंड। फिल्म का कथानक मोटे तौर पर मार्क ट्वेन के द प्रिंस एंड द पेपर के समान है। एक ही दिन दो लड़कों का जन्म होता है, एक है राहुल मेहता जिनका जन्म इंग्लैंड के एक धनी परिवार में चांदी का चम्मच लेकर हुआ था, एक और बालू है जिनका जन्म मुंबई में कहीं एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दोनों तब तक बड़े हो जाते हैं जब तक कि वे अपने 21वें जन्मदिन पर स्थानों का आदान प्रदान नहीं कर लेते। राहुल के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और वह अपने दादा शंभुनाथ मेहता के साथ रहते हैं। वह अपने माता पिता की कब्रों को देखने के लिए भारत आना चाहता है, हालांकि उसके दादा नहीं चाहते कि वह जाए। उसे डर है कि राहुल प्यार में पड़ जाए और अपने माता पिता की तरह खुद को बर्बाद कर ले। बहुत अनुनय के साथ वह भारत आया है और हवाई अड्डे पर अपने अभिभावकों राम सिंह और जासूस मीर चंदानी से बचने का प्रबंधन करता है और एक टैक्सी पकड़ता है। टैक्सी का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि बालू है जो राहुल की असली पहचान को नहीं जानता। अमीर आदमी को उसी दिन पैदा होने और अमीर जीवन का आनंद लेने के लिए कोसता रहता है। बाद में राहुल अपनी पहचान बताता है और बालू को शर्म आती है, लेकिन दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। राहुल अपने धन संपन्न दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता, इसीलिए वह बालू से उसकी जगह लेने और उसे बालू की जगह लेने के लिए कहता है, जो राहुल टैक्सी ड्राइवर बन जाता है और राम सिंह को सूचित करता है कि उनके स्थान पर कोई उनके पास आ रहा होगा। बालू होटल पहुंचता है और राम सिंह को एक अमीर आदमी की तरह व्यवहार करने के लिए बालू को तैयार करने में मुश्किल होती है। राहुल बालू के घर जाता है जहां उसे बालू की बहन पारो मिलती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। बालू बीपी माथुर के एक बैठक में भाग लेने के दौरान, जो भारत में मेहता इंडस्ट्रीज़ के कार्यवाहक हैं, माथुर की बेटी पूजा से मिलते हैं और उसके साथ प्यार में पड़ जाते हैं। भ्रष्ट प्रबंधकों के कारण मेहता उद्योग चरमरा गए हैं। संघ के नेता दत्ताभाऊ बालू राहुल के वेश में जो यह बात समझाते हैं, बालू इसका ख्याल रखता है और मजदूरों के बीच समान लाभ साझा करने की घोषणा करते हुए कंपनी को फिर से खोल देता है। शास्त्री के घर पर पारो के पिता पीवी शास्त्री को राहुल और पारो के प्रेम संबंध के बारे में पता चलता है और राहुल के ईसाई होने के कारण वह क्रोधित हो जाता है। बालू तस्वीर में आता है और स्थिति को शांत करता है। राहुल ब्राह्मण बनने का फैसला करता है ताकि वह पारो से शादी कर सके। यूपी में राहुल के दादाजी सीखते हैं कि राहुल के साथ क्या हो रहा है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारत आते हैं। हालांकि चूंकि मेहता इंडस्ट्रीज़ का नियंत्रण माथुर के हाथ से निकल गया है, वे राहुल और शंभुनाथ को मारने का फैसला करते हैं। राहुल और बालू
शम्भूत को मारने के लिए माथुर द्वारा किराए पर लिए गए गैंगस्टर से बचाने के लिए लड़ते हैं। फिल्म पारो के साथ राहुल की शादी और पूजा के साथ बालू की शादी के साथ समाप्त होती है। फेंकना, बालू शास्त्री के रूप में अरशद वारसी, चंद्रचूर्ण सिंह के रूप में राहुल मेहता, पारो शास्त्री के रूप में प्रिया गिल, पूजा माथुर के रूप में सिमरन, शंभुनाथ मेहता राहुल के दादा के रूप में प्राण, श्रीमती शास्त्री के रूप में सुलभा आर्य, बाल धुरी के रूप में राम सिंह, राहुल के कार्यवाहक सुरेश मल्होत्रा, बीपी माथुर के रूप में नवतेज हुंदल, वरिष्ठ ब्राह्मण पंडित के रूप में पप्पू, पॉलिस्टर के रूप में एस सी माथुर, मनोज पहावा जासूस, मीर चंदानी के रूप में के डी चंद्रन, पी वी शास्त्री के रूप में दत्ता भाऊ के रूप में ए के हंगल, मास्टर फ्रैंक एंथोनी, मुरली के रूप में संगीत, संगीत बिजू शाह द्वारा तैयार किया गया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा दिए गए थे। टी सीरीज द्वारा जारी साउंडट्रैक एल्बम ने भारत में 2.2 मिलियन यूनिट्स की बिक्री की, जिससे यह 1996 का नौवां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया। गाना नंबर एक मेरा दिल गया, इस गाने के गायकार अलका याग्निक और उदित नारायण हैं। गाना नंबर दो आँख मारे, इस गाने को कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है, जो ये गाना बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ। गाना नंबर तीन तेरे मेरे सपने, इस गाने को उदित नारायण और विनोद राठौर और हेमा सरदेसाई ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार कुछ मेरे दिल ने कहा, इस गाने के गायकार हरिहरन और साधना सरगम हैं। यह गाना अपने समय में बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ, जो आज भी लोगों के दिलों में बहुत अच्छी पहचान बनाए हुए है। गाना नंबर पाँच राम राम, इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर छः मेरे पिया, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको तेरे मेरे सपने मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तेरे मेरे सपने 1996 फिल्म, तेरे मेरे सपने अनुवाद थीम्स ऑफ योर एंड माइंड, 1996 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी ABCL द्वारा निर्मित और जॉय ऑगस्टाइन द्वारा निर्देशित है। फिल्म में अरशद वारसी, चंद्रचूर सिंह, प्रिया गिल और सिमरन जैसे नए कलाकार थे। निर्देशक जॉय ऑगस्टाइन द्वारा लिखित रंजीत कपूर, संवाद पटकथा की है जॉय ऑगस्टाइन, दिग्वांशु धूलिया कहानी द्वारा भारत रंगाचारी द्वारा निर्मित अमिताभ बच्चन अभिनीत चंद्रचूर सिंह, अरशद वारसी, प्रिया गिल, सिमरन वर्णनकर्ता अमिताभ बच्चन, छायांकन तेजा द्वारा संपादित आदेश वर्मा, संगीत दिया है बिजू शाही द्वारा वितरित ABCL कॉरपोरेशन लिमिटेड, रिलीज की तारीख 6 दिसंबर 1996, कार्यकारी समय 146 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 13.17 करोड़। भूखंड, फिल्म का कथानक मोटे तौर पर मार्क ट्वेन के
द प्रिंस एंड द पेपर के समान है। एक ही दिन दो लड़कों का जन्म होता है। एक है राहुल मेहता, जिनका जन्म इंग्लैंड के एक धनी परिवार में चांदी का चम्मच लेकर हुआ था। एक और बालू है, जिनका जन्म मुंबई में कहीं एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दोनों तब तक बड़े हो जाते हैं जब तक कि वे अपने 21वें जन्मदिन पर स्थानों का आदान प्रदान नहीं कर लेते। राहुल के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और वह अपने दादा शंभुनाथ मेहता के साथ रहते हैं। वह अपने माता पिता की कब्रों को देखने के लिए भारत आना चाहता है, हालांकि उसके दादा नहीं चाहते कि वह जाए। उसे डर है कि राहुल प्यार में पड़ जाए और अपने माता पिता की तरह खुद को बर्बाद कर ले। बहुत अनुनय के साथ वह भारत आया है और हवाई अड्डे पर अपने अभिभावकों राम सिंह और जासूस मीर चंदानी से बचने का प्रबंधन करता है और एक टैक्सी पकड़ता है। टैक्सी का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि बालू है, जो राहुल की असली पहचान को नहीं जानता। अमीर आदमी को उसी दिन पैदा होने और अमीर जीवन का आनंद लेने के लिए कोसता रहता है। बाद में राहुल अपनी पहचान बताता है और बालू को शर्म आती है, लेकिन दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। राहुल अपने धन संपन्न दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता, इसीलिए वह बालू से उसकी जगह लेने और उसे बालू की जगह लेने के लिए कहता है, जो राहुल टैक्सी ड्राइवर बन जाता है और राम सिंह को सूचित करता है कि उनके स्थान पर कोई उनके पास आ रहा होगा। बालू होटल पहुंचता है और राम सिंह को एक अमीर आदमी की तरह व्यवहार करने के लिए बालू को तैयार करने में मुश्किल होती है। राहुल बालू के घर जाता है, जहां उसे बालू की बहन पारो मिलती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। बालू बीपी माथुर के एक बैठक में भाग लेने के दौरान, जो भारत में मेहता इंडस्ट्रीज़ के कार्यवाहक हैं, माथुर की बेटी पूजा से मिलते हैं और उसके साथ प्यार में पड़ जाते हैं। भ्रष्ट प्रबंधकों के कारण मेहता उद्योग चरमरा गए हैं। संघ के नेता दत्ताभाऊ बालू राहुल के वेश में जो यह बात समझाते हैं, बालू इसका ख्याल रखता है और मजदूरों के बीच समान लाभ साझा करने की घोषणा करते हुए कंपनी को फिर से खोल देता है। शास्त्री के घर पर पारो के पिता पीवी शास्त्री को राहुल और पारो के प्रेम संबंध के बारे में पता चलता है और राहुल के ईसाई होने के कारण वह क्रोधित हो जाता है। बालू तस्वीर में आता है और स्थिति को शांत करता है। राहुल ब्राह्मण बनने का फैसला करता है ताकि वह पारो से शादी कर सके। यूपी में राहुल के दादाजी सीखते हैं कि राहुल के साथ क्या हो रहा है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारत आते हैं। हालांकि चूंकि मेहता इंडस्ट्रीज़ का नियंत्रण माथुर के हाथ से निकल गया है, वे राहुल और शंभुनाथ को मारने का फैसला करते हैं। राहुल और बालू शंभुनाथ को मारने के लिए माथुर द्वारा किराए पर लिए गए गैंगस्टर से बचाने के लिए लड़ते हैं। फिल्म पारो के साथ राहुल की शादी और पूजा के साथ बालू की शादी के साथ समाप्त होती है। फेंकना बालू शास्त्री के रूप में अरशद वारसी, चंद्रचूर्ण सिंह के रूप में राहुल मेहता, पारो शास्त्री के रूप में प्रिया गिल, पूजा माथुर के रूप में सिमरन, शंभुनाथ मेहता राहुल के दादा के रूप में प्राण, श्रीमती शास्त्री के रूप में सुलभा आर्य, बाल धुरी के रूप में राम सिंह, राहुल के कार्यवाहक सुरेश मल्होत्रा, बीपी माथुर के रूप में नवतेज हुंदल, वरिष्ठ ब्राह्मण पंडित के रूप में पप्पू, पॉलिस्टर के रूप में एस सी माथुर, मनोज पहावा जासूस मीर चंदानी के रूप में के डी चंद्रन, पी वी शास्त्री के रूप में दत्ताभाऊ के रूप में ए के हंगल, मास्टर फ्रैंक एंथोनी मुरली के रूप में। संगीत बिजू शाह द्वारा तैयार किया गया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा दिए गए थे। टी सीरीज द्वारा जारी साउंडट्रैक एल्बम ने भारत में 2.2 मिलियन यूनिट्स की बिक्री की, जिससे यह 1996 का 9वां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया। गाना नंबर 1 मेरा दिल गया, इस गाने के गायकार अलका याग्निक और उदित नारायण हैं। गाना नंबर 2 आंख मारे, इस गाने को कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ में गाया है, जो ये गाना बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ। गाना नंबर 3 तेरे मेरे सपने, इस गाने को उदित नारायण और विनोद राठौर और हेमा सरदेसाई ने अपनी आवाज़ में गाया है।
गाना नंबर 4 कुछ मेरे दिल ने कहा। इस गाने के गायकार हरिहरन और साधना सरगम हैं। यह गाना अपने समय में बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ, जो आज भी लोगों के दिलों में बहुत अच्छी पहचान बनाए हुए है। गाना नंबर 5 राम राम। इस गाने को उदित नारायण ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 मेरे पिया। इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।